हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा, डायरेक्टर पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज आप लोगों से एक हमारे पारस परिवार के मेंबर मिस्टर कार्तिक से मिलवाना चाहता हूं, जिन्होंने हाल ही में सीए फाइनल की परीक्षा में पूरे इंडिया के अंदर 9th रैंक हासिल की है। हेलो कार्तिक, कैसे हो? सर बढ़िया, बढ़िया। मैं बढ़िया एकदम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपके पेरेंट्स को, आपके सभी टीचर्स को, जहाँ जहाँ से आपने एजुकेशन ली, आपने 12th किया, आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन की, सभी जो जो आपकी मंजिल में आए, ये सब, इन सबको बहुत बहुत बधाई। सो थैंक यू कार्तिक। हमने ये बातचीत इसलिए कंडक्ट की है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा पूरी जर्नी का, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले। आपके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, बहुत सारे फोन कॉल आ रहे होंगे, तो हमने सोचा कि जो आपकी ट्रेवलिंग रही है ये सारी कॉमर्स से लेकर और सीए करने तक की, तो इसका फायदा ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले। तो आज हम जो भी बातचीत करेंगे तो उसका फोकस इस बात पर रहेगा कि गाइडलाइंस आने वाली जनरेशन के लिए क्या हो सकती है आपकी तरफ से। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि आप प्लस टू कॉमर्स से हैं, ये मुझे पता है, तो आप सबसे पहले सीए कोर्स के बारे में टच में कहां से आए, मतलब जब भाई ये सीए करना है और सीए की नॉलेज, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि कार्तिक हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, एक गांव है, कस्बा है जाखल, तो वहां से बिलोंग करते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड है कि इन्होंने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है सीए के अंदर कि सीए करने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, बड़े शहर में जाना पड़ता है, उसकी तैयारी कहीं बैंगलोर, कहीं चंडीगढ़, कहीं दिल्ली, मुंबई, इस तरह से जाकर करनी पड़ती है। और कार्तिक ने अपने रीजन के अंदर रह के ही ये मुकाम हासिल किया है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, आपके पेरेंट्स के लिए बड़े गर्व की बात है। तो कार्तिक, मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो सीए कोर्स है इसके बारे में, क्योंकि बच्चे डरते हैं इसके नाम से कि सीए कोर्स करेंगे, नहीं नहीं सीए तो नहीं करना, बीकॉम कर लेंगे। तो आपने एक तो ये बहादुरी भरी छलांग जो इसके अंदर लगाई, तो ये कहां से मोटिवेटेड होकर, या यूं मैं कहूं कि इसके बारे में नॉलेज कहां से गेन की? सर देखिए, सबसे पहले जो थैंक यू आपने जो ये बात बोली मेरे लिए। और सर जैसे कि आपने बात करी जो ये सीए कोर्स है, सर जब हम जब कॉमर्स टीम चूज करते हैं तो कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि एक जो सीए कोर्स है वो सबसे टॉप रैंक पे आता है। हालांकि सारे जो और भी जो है प्रोफेशन सीए, सीएस, एनसीएम है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने सीए स्टार्ट की तो मुझे नहीं पता था कि सीए क्या है। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, जब मैंने कॉमर्स ज्वाइन की, तब जब सीए का, सर मुझे नहीं पता कि सीए होता क्या है। सीए क्यों करना है, बिकॉज मेरे, क्योंकि मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे जो शहर है जाकर, उसके दो स्कूल आते हैं। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, तो एक स्कूल और था जाकर के अंदर, ठीक है, उसका नाम है डीएवी स्कूल। वहां मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ता था। तो हुआ क्या, जहां मेरे दोस्त पढ़ते थे वहां पे पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का हिसार से सेशन हुआ कि सीए क्या है, कि सीए कैसे करना है और क्या होगा इसके बारे में। अच्छा, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। बिल्कुल सर, अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, तो वो मेरे दोस्त वहां से, उनको लगा कि हाँ, कि हमें कुछ तो करना है आगे लाइफ में, तो सीए क्यों नहीं। ओके, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई, ठीक, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से जो राकेश सर आए वहां पे, और उन्होंने बताया कि सीए क्या है, ठीक है। तो मैंने पूछा भी क्या सर ने बताया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया कि सीए क्या है, ठीक है। उस टाइम तक भी मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने सीए ही करना है। मतलब प्लस टू कॉमर्स आपकी हो चुकी थी सर, कॉमर्स की मेरे एग्जाम हो रहे थे। ओके, क्योंकि मुझे ये पता था ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम। ओके, बट मुझे ये पता था कि जो सीए सीपीटी है उसके साल में 2 times एग्जाम होते हैं, एक जून एंड एक दिसंबर। हाँ, जो अब फाउंडेशन हो चुका है, सीए फाउंडेशन हो चुका है, ठीक है। तब सबसे पहले ऑनलाइन जाके सर्च किया कि उसके लास्ट डेट क्या है। ओके, जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास सिर्फ 14 या 15 दिन थे, बाद रिमेनिंग रह चुके थे, ठीक है, जो लास्ट डेट आनी थी। बिल्कुल, ठीक है। तो फिर देखा कि कहां से कोचिंग ले। उस टाइम मेरे माइंड में नाम था कि पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का, बट मैं श्योर नहीं था कि वहां से कोचिंग लूं या नहीं लूं। तो मेरे फादर हैं, उन्होंने काफी से पूछा भी कहां से कोचिंग कंडक्ट करवाए हम। तो हुआ क्या था कि जो हमारे जो शहर है हमारा, वहां से 2-3 बच्चे पहले पारस के अंदर कोचिंग ले चुके हैं। ओके, उनके अच्छे मार्क्स भी आए थे, ठीक है, वो क्लियर कर चुके थे उस टाइम। तो हमने सोचा कि पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तब मैं यहाँ पे आया,
और जो यहाँ पे जो स्टाफ था, जो थी मैनेजमेंट, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि सीपीटी क्या है, उसकी क्या कोर्स है, क्या सिस्टम है, अपनी काउंसलिंग ली पूरी कोर्स का, काउंसलिंग ली वहाँ पे। तो मैम ने बताया तो हम सेटिस्फाई हो गए, तो हमने यहाँ पे अपना शिश हो गया, करवा लिया और फॉर्म फिल कर दिया। तो कार्तिक, यहाँ ज्वाइन करने से पहले इस तरह के चैलेंजेस कि भाई हिसार में क्या होगा या हरियाणा में क्या होगा? जब सर मैं 12th में था, सीए का माइंड में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि सीए करना है, क्योंकि एक 12th क्लास का बच्चा सर ये सोचता है कि मैं एग्जाम दूंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होता है कि मैं एग्जाम दूंगा, जब तक नहीं आता रिजल्ट तब तक ऐसा, हाँ उसके बाद मैं विचार करूंगा कहाँ जाना है, क्या करना है। उस टाइम कॉमन प्रोसेस यही है। थोड़ा उस टाइम सर हार्ड डिसीजन लिया, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिया कि सीए करनी तो पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए किया। तो सर उस टाइम तो जब मैं स्टार्टिंग में पास में आया, तो जो यहाँ का सिस्टम है, जो टेक्निक्स टीच करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमारे जो सीए का सबसे बड़ा जो कोर सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, ठीक है। मैंने 11th 12th में अच्छे से अकाउंट्स किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने आया तो मुझे वहाँ की जो स्टडीज थी वो भूलनी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ के जो सिस्टम है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, बिल्कुल टॉप तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीखा, तो उस टाइम भी था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑन गोइंग, जब मैं यहाँ पे सीपीटी ऑनगोइंग था यहाँ पे। तो अकाउंट्स में तो जैसे सीपीटी के अंदर और अभी फाउंडेशन के अंदर भी ज्यादातर ये एक धारणा रहती है कि भाई प्लस वन और टू के ही चैप्टर्स होते हैं, तो उसके लिए तो खास क्या सोचना, अकाउंट्स तो हो ही जाएगा, इस तरह से कॉमन स्टूडेंट की सोच। नहीं सर, ये पहले मेरी सोच थी, बट जब मैंने ज्वाइन किया तब सोच चेंज हो चुकी है सर, चेंज थी, क्योंकि सर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए सीखने को मिलते हैं। हम 11th 12th के अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग से उसको नहीं सीख पाते जितना हम एक इंस्टीट्यूट के जाके अंदर जो कि सिस्टम है वहां से प्रॉपर टेक्निक से सीखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो आप हमारे जो टीचर रहे हैं, आपने एक ही बात सिखाई है कि जो एंट्रीज हैं जर्नल एंट्रीज, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग अकाउंट्स की वहीं से होती है, अकाउंट स्टार्ट भी वहीं से होता है, खत्म भी वहीं से, रूट है वो, रूट है सर। डेबिट होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, बिल्कुल। तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11th 12th के अंदर मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं थे, ठीक, बट जब मैं यहाँ से आया तो मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत है सर यहाँ के अंदर भी, हिसार के अंदर भी, और मेरे शहर के अंदर ये बात थी कि हिसार तो बहुत छोटा शहर है, आप सीए यहाँ से कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारे दोस्त भी थे मेरे फादर के या जो हमारे रिलेटिव भी थे, वो ये बात बोलते थे कि हिसार से सीए तो नहीं हो सकते। तो मेरे फादर को ये, मेरे फादर का ऐसा ही रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकती वही करनी, क्या बात है। तो फिर मैंने कहा पापा जो आपने जो बोल दिया वो तो करना ही है, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे स्टार्टिंग से ही आदर्श रहे हैं मेरे, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, उनका बहुत मेंटेन है सर। मैं पूरी लाइफ टाइम कुछ भी कर लू, लेकिन जो वो है वो मैं नहीं कभी बन सकता। आपके लिए आपके हीरो हैं, बिल्कुल सर, मेरे फादर के लिए मेरे हीरो हैं। तो सर यहाँ से किया सर, और यहाँ की जब सीपीटी किया तो लगा पता कि बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि नए नए आपको एग्जाम पढ़ने पड़ते हैं, लॉ पढ़ना पड़ता है आपको, मैथमेटिक्स पढ़ने पड़ते हैं। और सर मेरे लिए सबसे जो बात थी सीए सीपीटी में, सीपीटी के अंदर 50 मार्क्स की सर इकोनॉमिक्स आती है, ठीक, अब जो सीए फाउंडेशन हो चुकी है, हाँ जी, लेकिन 12th के अंदर मेरे पास मैथ्स कंपलसरी में था, मेरे पास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, एबीसी भी नहीं पता, नहीं पता था उसकी इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, तब यहाँ पे ज्वाइन किया तो विवेक सर है यहाँ पे, उन्होंने इतने अच्छे से इकोनॉमिक्स टीच कर दिया सर, कि उन्होंने ये बात बोली थी कि 1 मार्क कन्फर्म है सर। ये टॉपिक्स के अंदर बोलते थे कि जो भी टॉपिक्स है तो उसमें सर ये बोलते थे कि यार ये कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बोलते थे 1 मार्क कन्फर्म है, इसे नोट करना कि पक्का होगा तुम्हारा एक नंबर, ठीक है। तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स सर, लेकिन सर ने जीरो से ऐसे स्टार्ट किया कि सर ऐसे स्टार्ट किया कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था और हमारे पास सर टाइम भी नहीं होता, क्योंकि जून के अंदर एग्जाम होता है, हाँ, 2 सवा 2 महीने, 2 सवा 2 महीने होते हैं सर, yes। उसमें सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, स्टेट भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, अकाउंट भी पढ़ना है, लॉ भी पढ़ना है, ठीक है, बहुत प्रेशर होता है। लेकिन सर फील नहीं आया प्रेशर, फील तो क्यों नहीं आया सर, फील तो हाँ, कम टाइम में ज्यादा परफॉर्म करना था, और सर उस 12th नए सब्जेक्ट्स हैं, लॉ हो गया और मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 12th के अंदर सर बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता सर, और जो बच्चा सर फर्स्ट टाइम अपने होम टाउन से यहाँ आ रहा है उसके लिए सर बहुत ही एक कहते नहीं कि सर आसमान वाली, हाँ भाई, दो चैलेंजेस हो गए, घर को छोड़ा और ऊपर से सी, हाँ, और जब यहाँ पे आया तो देखा कि पीजी वाला क्या करना है, पीजी का नहीं करना, तो सर हॉस्टल की लाइफ का पता नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ सर, ठीक है, आंसू भी आए थे भी कहाँ आ गया, स्ट्रगल ज्यादा है, हो नहीं पाएगा, बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, क्योंकि सर मैं
सच्ची बताऊं सोचता था, मेरे दोस्त ऐश कर रहे थे उस टाइम जब मैं यहाँ पे कोचिंग ले रहा था। हाँ तो ये छुट्टियों का टाइम होता है, रिजल्ट आपका मई एंड के एंड में आता है, तो उस टाइम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं सारे, और आप अपना लगे हुए। मैं बहुत अपने आप को कोसता था, ये तो गलत फैसला। और पारस के अंदर सुबह आना शाम को जाना है, क्योंकि दो महीने का टाइम है सर। पारस की इंस्टीट्यूट की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि उनको, क्योंकि सर इसमें क्या है कि टेस्ट सीरीज जो आपने, क्योंकि क्या होता है कि आपने कर लिया सब पढ़ लिया, लेकिन आपने जो बड़ा आपको आता है नहीं आता, आप चेक कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपने ये सीधा एग्जाम ही जाके चेक किया तो आप पास हो गया, ये नहीं होगा सर, वो तो हिट एंड ट्रायल हो गया। लेकिन सर यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं, और फिर सर एंड के अंदर आप फाइनल टेस्ट भी लेते हो, यूनिट टेस्ट भी लेते हो, जिससे बच्चे की तैयारी इतनी हो जाती है कि आईसीआई जो एग्जामिनेशन होती है उसको कुछ नया नहीं लगता। वो बोलते हैं कि अगर मैं पारस में टेस्ट दे के आया, इतने टेस्ट दे दिए, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, इतने वहां दिए, एक यहां दे दिए, ठीक है। सीपीटी सर अच्छे से हुई, एग्जाम दिया, और मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, पास में हो चुका था बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैंने एक एवरेज स्कोर किया उस टाइम, क्योंकि और सीपीटी के अंदर हमारे जो पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स है उसमें क्या है कि जो भी टीचर है, अलग अलग टीचर है, हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स हैं, तो इससे क्या है कि बच्चे का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। हाँ, स्पेशलाइज्ड टीचर मिल गया, वो बोर नहीं होता है। हाँ, टीचर क्योंकि जो भी टीचर टीच कर रहा है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है सर। ठीक, हाँ वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, इसका सर बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, फायदा मिला और सर मुझे सीपीटी क्लियर हो गया। ठीक है, तो सीपीटी के अंदर आपका स्कोर बहुत हाई रहा या एवरेज रहा? ठीक सर, सीपीटी के अंदर मेरा स्कोर नहीं रहा इतना अच्छा, जस्ट मेरे सर बहुत कम नंबर आए थे, वो मेरे एग्जैक्टली फिगर याद तो नहीं है बट 55% या 56% नंबर आए थे मेरे। ओके, आउट ऑफ 200 में से मतलब 12-15 नंबर इस तरह, इस तरह नंबर आए सर, बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, नियर अबाउट पास। बाकी मेरे दोस्तों के सर 150 160 170 175, मतलब पारस इंस्टीट्यूट से भी सर बहुत अच्छा स्कोर किया था, 177 भी आए थे। ओके, जयदीप के। ओके, तो मैं था उस टाइम सर, अच्छा वो सारे यही थे आपके साथ, हमारे साथ थे सर, बिल्कुल हमारे साथ, आप साथ लोग आए थे, और सर मैं जहाँ से आया था मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए थे, जिनकी मैंने पहले बात की थी, जिन्होंने मुझे बताया, ठीक, वो सात लोग आए थे, हम सातों के साथ पास थे। ठीक, सीसीपीटी सबकी क्लियर क्लियर थी, और सबसे कम नंबर थे मेरे। ओके, उन सब में सब ठीक है, मेरे नंबर कम थे, तो था कि इंटर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, पास तो हो गए, अब ये पॉइंट्स में पास हुए, तो आगे के गेम लिया जाएगा। फैमिली वाले भी बात बोलते थे, भी तो बहुत कम नंबर है सब बोलते थे कि तो मार्क्स ही कुछ नहीं है तुम्हारे, तो फिर जब सीपीटी क्लियर हुआ तो ये बात चली कि इंटर कहाँ से करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्योंकि सर बच्चे को होता है कि, क्योंकि हर बच्चे को होता है कि मेरे इंटर अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट से हो, मैं फेल नहीं होना चाहता, मुझे कम्प्लीट तैयारी करनी है, ठीक, तो हर बच्चे के माइंड में होता है, वैसे ही सर मेरे माइंड में था। ठीक, और सर मैं तो हूँ ही एक एवरेज बच्चा, मैं तो अपने आप को भी होशियार माना ही नहीं, और ना हूँ होशियार मैं, आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ। ठीक, ठीक है, सो फिर वही बात, सीपीटी क्लियर हुआ, जब इंटर के लिए बात की तो अलग अलग इंस्टीट्यूट चेक किए, दिल्ली का भी बात हुई थी, वहां जाते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ भी जाते हैं, क्योंकि जो मेरे फादर के दोस्त थे वो बोलते थे कि सीपीटी तो हिसाब से कर ली, अब इंटर नहीं हो पाएगी, इंटर नहीं हो पाएगी हिसाब से, क्योंकि नाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर ये फैक्ट है कि सीए का जो भी है नाम वो बड़े शहरों का ही है, क्योंकि क्योंकि सर मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे ना इतनी वहां पे ना ही इतनी अवेयरनेस है, ना ही कुछ है, तो इसलिए फिर कंफ्यूजन था। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे, क्योंकि मैंने एक दो इंस्टीट्यूट और चेक किए थे जो कि स्पून फीडिंग करवाते हैं सर। अच्छा, मतलब मुझे यहाँ के सिस्टम की ये बात अच्छी है लगती है कि क्वेश्चन जो आप मिलते हैं वो अनसोल्ड है सर, पहली बात है, इनके जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जो क्वेश्चन बैंक इशू करता है पारस, उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि वो क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा अनसोल्ड है, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, बच्चे को खुद सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेन बात ये थी। और जो यहाँ की मैनेजमेंट है, टेस्ट सीरीज है, जो यहाँ का सिस्टम है पूरा मेंटेन्ड है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए मैंने यहीं ज्वाइन करने का सोचा। और जो मेरे दोस्त थे जो पास हुए थे, उन्होंने कोई ने भी यहाँ ज्वाइन नहीं किया, हो छह लोग और थे, मतलब बिल्कुल सर, टोटल सात थे, छह लोग यहाँ नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था सर, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं, एक बड़ी मेजोरिटी जो है वो टूट गई थी। और उस टाइम सर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, मतलब सोचता है बंदा यार ये फैसला मैंने गलत तो नहीं ले लिया, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते, बिल्कुल सर, तो फिर उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं
करना यहीं से। बात सर ये स्कूल फीडिंग क्या चीज होती है, क्या होती है स्कूल फीडिंग? तो सर ये होता है कि मान लो कोई भी आप कोचिंग ले रहे हो उसका क्वेश्चन के साथ ही आंसर आपको साथ ही दिया जाता है। ओके तो सर उसमें क्या कि अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, कोई मुश्किल एंट्रीज आ गई, कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट आ गया, तो उसमें सर बच्चे का माइंड यूज नहीं होता, उसको कोई दिक्कत आई तो आंसर नीचे पड़ा है वो कॉपी मार के लिख देता है। सर यहाँ तो एक डिफरेंस ही है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलते हैं सोल्व करने के लिए, आप सोल्व करके आते हो और अगले दिन जो भी कोचिंग जो भी यहाँ पे है फैकल्टीज वो क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं और बच्चा जो गलती बच्चे की होती है वो चेक करते हैं कि हाँ मेरी ये गलती है। ठीक, इससे बच्चे को सर माइंड में भी याद रहता है हाँ मैंने ये गलती की है और बाद में उस गलती को कभी रिपीट नहीं करता। और सर मेन बात यहाँ है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सीए एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप सीए एग्जाम में पास नहीं हो सकते सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक एक छोटी छोटी चीज लॉजिकल है क्योंकि छोटी चीज गलत होती है सर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बिल्कुल, उसमें सर मार्क्स स्कोरिंग भी नहीं होते सर, वो लोअर क्लासेस में मान लो आ भी जाए लेकिन आगे नहीं पाते आगे नहीं। और सर सेकंड जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब अच्छी तो क्या बोल सकता हूँ कि मुझे एक सरप्राइज करने वाली ये बात लगी कि जो मैंने ये बात सुनी थी कि मतलब कि जो हमारा सीपीटी के बाद जो इंटर का होता है उसके अंदर आपको 8 to 9 months की कोचिंग लेनी पड़ती है, ये स्टडीज होती है, तभी आपका एग्जाम होता है। ओके तो जो बाहर की फैकल्टीज हैं, जो भी बाहर के इंस्टीट्यूट हैं, वो सर बच्चे को 5 या 6 months के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा के घर छोड़ देते हैं। सर अपना सिलेबस करवा दिया, आप अपना घर पर रिविजन करो। ठीक है, लेकिन यहाँ की एक खास बात लगी कि सर यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, यूनिट टेस्ट एंड फाइनल टेस्ट, और जो पारस का साथ है टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जाम तक भी हमारे साथ कि आपका जो मोटिवेशन है वो बूस्ट रहे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते। okay. सर एक ये भी कारण था कि मैंने इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किया इंटरव्यू। ठीक, एक बात रही स्पून फीडिंग की, जो मोस्टली जो भी टीचर्स हैं जो टीच कर रहे हैं वो करते क्या सर, क्वेश्चंस ना सर वो खुद ही सोल्व सारे के सारे वो पहले ही बच्चे को सोल्व करवा देते हैं, जिससे बच्चा अपना माइंड यूज नहीं कर पा रहा। ओके okay. कि मान लो कोई क्वेश्चन में एक अच्छी खासी एंट्री है जिसमें बच्चे को माइंड यूज करना चाहिए, वो बच्चा खुद का माइंड यूज नहीं कर पा रहा सर। ठीक है, जिससे सर फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत उसका इफेक्ट पड़ता है। okay. क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम में कुछ नया पॉइंट पूछ लिया तो बच्चे को सर पहले नहीं आदत कि वो वहां जाके वो क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करे, उसको कोई डाउट आए वो जाके पूछे, उसको आदत नहीं है। तो अगर बच्चे को ये आदत नहीं है तो एग्जामिनेशन के अंदर जाके ये चीज सर सोल्व करना बहुत मुश्किल है सर। okay. जिससे बच्चा पास या फेल कुछ भी हो सकता है। okay. तो आपने इन चीजों का बिल्कुल प्रैक्टिकल सर्वे किया कि भाई मुझे यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा जो मुझे नहीं मिल सकता बाहर, तो ये आपने सर्वे किया इंटर में एडमिशन लेने से पहले? बिल्कुल सर ये okay. मैंने सर्वे था बिल्कुल सर ये सर्वे मैंने किया था, दो तीन इंस्टीट्यूट का भी किया, जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात की थी। okay. वो ये बोलते थे कि जो भी आपका एग्जामिनेशन है उससे 2 या 3 months पहले हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो घर में तैयारी करते हैं, लेकिन जो स्पून फीडिंग का तो सर मैंने आपको पहले भी आपसे बात की है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उनकी जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जो कोचिंग लेना चाह रहा है वो ये जरूर चेक करता है कि जो टीचर टीच कर रहा है उसका मटेरियल क्या है। ओके okay. हर बच्चा सर ये चेक जरूर करेगा कि जो फैकल्टी टीच कर रही है उसका क्या मटेरियल है, कितना कंटेंट है उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम तो हम छोटे थे, हम तो साइज के हिसाब से चेक करते थे, जिसकी बुक मोटी है तो अच्छा, जिसकी मोटी नहीं अच्छा। ठीक है, बट सर ये देखा गया था, मैंने देखा था कि क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी साथ दिया हुआ है। okay. लेकिन जब पारस के अंदर देखा तो उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर कुछ नहीं है, आंसर आप खुद ही सोल्व करने पड़ेंगे, होमवर्क में मिलते हैं, उसके डाउट सर अगले दिन आके क्लासेस में आपको सोल्व करवाते हैं, जिससे सर बहुत ही फायदा लगता है। लेकिन हाँ, इसका एक नुकसान भी ज्यादा है। हाँ, मैं अगली बात वही बोल रहा हूं, इसका एक नुकसान भी है कि बच्चे को हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। हाँ, ये वो डिमोटिवेटेड होता है कि उसके क्वेश्चन ज्यादातर गलत निकलते हैं। बिल्कुल सर, अब मेरे सर सारे क्वेश्चन गलत निकलते हैं, मेरा क्वेश्चन बहुत कम है कि ठीक पाओ। अच्छा, सारे गलत निकलते थे मोस्टली सर, मेरे क्वेश्चन गलत निकलते थे। ठीक है, तब तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा है या नेगेटिव रहा? सर पॉजिटिव रहा। कैसे पॉजिटिव? सर पॉजिटिव इसलिए रहा कि मेरे क्वेश्चन रॉन्ग थे हमेशा। अच्छा, तो मेरे में ये था कि मेरे गलत क्यों हो रहे हैं, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। ओके, मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ, मेरे मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि समझ आता था सर, लेकिन क्या है कि वो माइंड का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था। तो वहां पे देखा कि गलत हो रहे हैं, आप जब सोल्व करवाते थे क्वेश्चन तो वहां लगता पता हाँ कि इस पॉइंट में दिक्कत है, सोचने वाली बात है सर। तो एंड द टाइम जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुई 1 month
टू मंथ थ्री मंथ फोर मंथ मेरी स्पीड इंक्रीज ही होती गई सर, और मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल है सर जो कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली मतलब इनिशियल लेवल पे डिमोटिवेशन आया लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। बिल्कुल सर, मैं तो जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कोई भी हो बेशक ऑल ओवर इंडिया, एक बार जरूर ध्यान रखना कि वो जो टीचिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कैसा फॉलो कर रहे हैं, एंड जो आपसे सोल्व हो रहा है वो कैसा करवा रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आपके क्वेश्चन है सोल्व क्वेश्चन है, मतलब आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। बस मेरा तो आपसे यही कहना है कि क्योंकि सीए एग्जामिनेशन में अगर आपको पास होना है तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सक्सेस का कोई बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप कोई चार्ट्स ले लो, कोई शॉर्टकट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फुल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेरा आपको यही बस मैंने बोलना है। तो कार्तिक, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एक डर है सोसाइटी के अंदर कि भाई जैसे बच्चा कॉमर्स लेता है तो वो इंटेलिजेंट बच्चा भी, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अब तक, इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या है कि डरता है सीए करने से कि नहीं यार सीए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एवरेज बच्चा तो मेरे ख्याल से आसपास भी नहीं पहुंचता होगा उस सोच के भी, और बिलो एवरेज वाला बच्चा तो बेचारा जो प्लस टू कॉमर्स है उसी के अंदर रह जाता होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी जर्नी को अगर आप एनालिसिस करें तो आप इंटेलिजेंट बच्चे को या एवरेज बच्चे को या बिलो एवरेज बच्चे को सीए कोर्स की अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टफ है आसान है जो भी है, वो आपके क्या गाइडलाइंस है? सर जैसे कि मैं लगाऊं, मैं अपने खुद की बताता हूं बात कि 10th क्लास के अंदर सर मेरे सर मार्क्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि सर मेरा ऐसा रहा है कि मेरे मार्क्स इंप्रूव ही होते चले गए हैं स्टेज बाय स्टेज। 10th के अंदर से मेरे बहुत कम नंबर थे, एंड 11th के अंदर सर मेरे इंग्लिश के अंदर सर मैं फेल था। आई वाज फेल इन इंग्लिश 11th के अंदर, और जो मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे वो ये बोलते थे कि आपसे तो नहीं हो पाएंगे कि आपसे 12th तो हो ही नहीं सकती। अच्छा 12th ही नहीं होगी, 12th ही नहीं होगी, सर दूर की बात होगी। ठीक है, तो सर फिर उस टाइम सर ये सोच लिया था सर कि मैं तो, क्योंकि सर बात है एक माइंड को यूज करने की, सर कोई भी बच्चा होशियार, कोई भी एवरेज, कोई भी जो बिलो एवरेज है वो नहीं होता सर, वो सारी बात है सर माइंड की। अगर आप सर सोचते हो मैं बिलो एवरेज हूँ तो आप सर बिलो एवरेज ही रहोगे, आपको अपना सर माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, मेरा सर जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो यही एक्सपीरियंस है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और सर मेरे साथ तो ये रहा है कि मेरी स्टेज बाय स्टेज इम्प्रूवमेंट ही हुई है, क्योंकि सर आप एक 12th क्लास के बच्चे का सर माइंड को यूज कितना यूज किया है, उसमें कितना कैलिबर है, आप सर एनालाइज नहीं कर सकते सर जब तक सर वाकई कॉम्पिटिशन में नहीं आता। और सीए फील्ड में सर खासकर एक बात है सर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलता हूँ कि सीए फील्ड के अंदर अगर आपको ये फील आ रही है कि आप बिलो एवरेज हो या बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस नॉट कि आप पास ही हो जाओगे, अगर आप बहुत होशियार हो तो आप फेल भी हो सकते हो, और जो आप बिलो एवरेज है वो पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीए कोर्स के अंदर अगर आपको पास हो रहा है तो एक चीज तो करनी ही पड़ेगी, वो है कंसिस्टेंट स्टडी। आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आपके एग्जाम 2 मंथ बाद है अगर आप आज बुक खोलोगे। मतलब होता है सर कि मैंने खुद देखा है कि जो मेरे दोस्त हैं या कोई भी और हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बात होती रहती है, तो ये निकलता है कि उनकी क्या है कि सर एग्जाम आ गए हैं, पहले कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही होशियार है, वो सब कुछ फर्स्ट टाइम में कर लेंगे, और जो मैं बच्चा हूँ, जो मेरे जैसे बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। बट ऐसी बात नहीं है सर, कंटिन्यूसली स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बिलो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्सेप्शनल केस है, उनकी बात नहीं करूंगा, जो कि गॉड गिफ्टेड है, बट मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ सर। ठीक, मैंने खुद से एफर्ट किया है सर, मैंने हार्डवर्क किया सर, तभी सर ये सक्सेस आया। और सर मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने कंटिन्यू स्टडी की है, मैं कंटिन्यू किया है, बट मैंने सर हर रोज सर इंजॉयमेंट का सोर्स कन्फर्म किया सर। आपने अपने अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको दबाया नहीं? नहीं दबाया सर, मतलब मेरा मन करता था मैंने एक चीज खानी है तो मैं खाता था, मेरा मन करता था आज मैंने घूमने जाना मैं घूमने जाता था। मूवी के भी अच्छे, मैं सर मूवी का शौकीन हूँ, मैंने एवरी डे आई वॉच मूवी सर, चाहे सीए इंटर की बात है चाहे सीए फाइनल की बात है सर, मैंने हर रोज मूवी देखी है सर। मेरे इंटर के सर एग्जाम थे, फाइनल इंटर के ग्रुप फर्स्ट के एग्जाम देने के बाद भी सर मैंने मूवी सेम डे भी देखी है सर। मतलब ये कह लो सर अगर है मूवी तो मैं हूँ, मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ मूवी का। और इससे सर फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मूवी देखते हो तो आप नहीं पढ़ते, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते मैंने तो सीए मूवी देख देख के कर दी। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मूवी सर देखना मेरा शौक है सर, और जो पढ़ना है वो भी मेरा शौक है सर। ठीक है, मूवी देखकर आप रिचार्ज होते हो तो फिर आप पूरी एनर्जी के बाद दोबारा से पढ़ते हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, ठीक है, पूरा बहुत अच्छा। कार्तिक आपने पूरी मैच्योरिटी के साथ जो बोला
कि बिलो एवरेज कोई चीज नहीं होती है, हर बच्चे का अपना एक दिमाग होता है और आपके माइंडसेट का फर्क पड़ता है कि भाई आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आपने सोच लिया करना है तो आप इंटेलिजेंट है, आप ही इंटेलिजेंट है, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, 12th क्लास के अंदर मेरा तो ड्रीम नहीं कह सकता, मेरे फादर का एक ड्रीम था कि इस बच्चे के अच्छे नंबर आए, तो मैंने पूछा पापा कितने नंबर चाहिए, 90% बोला उन्होंने कि 12th में चाहिए। पापा की कोई फोर्स नहीं किया पढ़ ले, बट ये इच्छा होती है हर पेरेंट्स का, वो होता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, तो उनकी एक इच्छा थी कि मेरा बच्चा 12th में 90% स्कोर करे। मेरा स्कूल सर एक उस जो मेरा स्कूल है उस इतना स्कूल अच्छा है लेकिन जो फैकल्टीज है वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बट मार्क्स तो लेके आने से 90% है, क्योंकि सर मेरा ऐसा है कि अगर लेके आना तो लेके आना, ठीक ऐसा नहीं है कि नहीं लेके आऊंगा। हाँ, आपने माइंडसेट की बात की कि भाई मैंने सोच लिया तो करना है और हो भी जाएगा, और उस टाइम तक सर किसी ने यकीन नहीं किया कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे। इवन माय स्कूल मैम मतलब उन्होंने भी बोला कि नहीं आ पाएंगे 90%, बहुत ज्यादा सोच लिया, ठीक है 80% सोचता 70 सोचता, बड़ा टारगेट ले लिया, बड़ा टारगेट ले लिया, लेकिन सर जो मेरे स्कूल के जो थे जो भी हमको टीच करते थे वो बोलते कि आ जाएंगे अगर आप एफर्ट करोगे। मेन बात है सर एफर्ट की, मेन बात है सर कितना आपने उसको हार्डवर्क किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पे होता है वो हार्डवर्क पे होता है सर। शॉर्टकट तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जबरदस्त एक्सपीरियंस किया आपने, जैसे बताया कि भाई मैं सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये एक जबरदस्त बात है। खैर आपकी बातों से झलक रहा है कार्तिक कि आप कहीं भी कोई किस्मत के या एकदम वरदान के रूप में आपको डिग्री नहीं मिली है, आपने पूरा हार्डवर्क किया है और उसके बाद ये सारी चीजें आपको अच्छी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और ठीक है, तो अब इंटर के बारे में कुछ और ऐसी कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ, जो बच्चे अब इंटर के अंदर हैं या फाउंडेशन का भी एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आने वाला है या कहीं आया हुआ है, या कोई इंटर करने की सोच रहा है डायरेक्ट एंट्री से, तो उनके लिए कोई और गाइडलाइंस किसी तरह की कुछ भी? उनके लिए तो बस एक ही है गाइडलाइंस कि आपने अपना फोकस है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रखना है कि हाँ मैंने अगर सीए इंटर क्लियर करनी है तो क्लियर करनी है, और ये सोचना है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करनी है, और ये चीज अपने माइंड में निकाल दो कि कोई चीज अटेम्प्ट, आप ये सोचो कि आप एक नॉर्मल एग्जाम लिख के आ रहे हो और पास हो जाओगे, लेकिन पास होने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट आपने क्योंकि कई बच्चे सर मैंने ये बहुत बार देखा कि बच्चे किसी की बात सुन के हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, कोई और बच्चा बोल देता है कि तू नहीं कर पाएगा, कोई थर्ड पर्सन रिलेटिव्स में बोल दिया किसी ने या दोस्तों में कि सीए तो बहुत हार्ड है, सीए एक्चुअली में हार्ड है, लेकिन अगर इसको अगर हम प्रॉपर स्टडी करें तो सर हार्ड नहीं है, ये आसान तो नहीं कहूंगा लेकिन ये अचीव हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है, असंभव नहीं है सर। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं उनको एक ही फोकस रखना है कि एक तो आपका इंस्टीट्यूट जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो उसका पैटर्न क्या है, वो किस टाइप से फॉलो करता है स्टडी, और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो स्टडीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 9 मंथ, ऐसा ना हो कि 6 महीने में कंप्लीट कर ली, 3 महीने आपको खुला छोड़ दिया कि आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उस टाइम तक क्या है कि बच्चा 3 महीने के अंदर, कुछ बच्चे जिनका माइंड स्ट्रांग होता है जो अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो जिनको रैंक्स लेके आनी होती हैं वो बच्चे उसमें अचीव कर जाते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चा है जो बिलो एवरेज बच्चा है क्योंकि सर जो अपना मन है वो कहता है कि जो 3 महीने की छुट्टी मिल गई अभी 15 दिन एंजॉय कर लेते हैं, 10 दिन एंजॉय कर लेते हैं, वो बात करते निकलते निकलते 10 दिन 3 महीनों में कन्वर्ट हो वो एग्जाम आ जाता है, जो 6 महीने पहले पढ़ा था वो सर कुछ याद नहीं होता और एग्जाम के अंदर सर रिजल्ट आता है जो भी आता है। तो बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन करें जो आपके साथ रहे, जो एग्जाम तक आपके साथ रहे और जो प्रॉपर सिस्टम से टीच करे और जो स्पून फीडिंग ना करे, आप वही इंस्टीट्यूट चूज करें। इंटर क्लियर हुआ आपका, उसके बाद फिर फाइनल के लिए चैलेंजेस सामने आए, भाई फाइनल की कोचिंग लें, आर्टिकलशिप भी शुरू हो जाती है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आर्टिकलशिप सीए फाइनल का, ठीक है। मैंने जब ग्रुप 2 क्लियर किया मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार आर्टिकलशिप कहां से करनी है, आर्टिकलशिप का सर बहुत प्रेशर था कि कहां से करनी है, क्योंकि आर्टिकलशिप ही आपकी सीएलएफ का बेस है, विदाउट आर्टिकलशिप सीए की आपको डिग्री मिल जाएगी लेकिन सर आर्टिकलशिप ही आपका सीए का असली मूल मंत्र है। डिग्री हो तो बहुत ही अच्छा है सीए की, लेकिन सर आर्टिकलशिप ही आपका पूरा बेस है, सीए की असली पहचान ही आर्टिकलशिप है। कारण इसमें क्या? क्योंकि सर आर्टिकलशिप ही सर आपको सिखाती है कि सीए प्रैक्टिकल काम क्या करता है,
क्योंकि अगर सी ए फाइनल में आप पढ़ रहे हो वो तो आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हो, लेकिन इस थियोरेटिकल में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन का फर्क होता है कि आपको मैनेज कैसे करना है उसको, प्रैक्टिकली कैसे डील करना है उसको, सभी बहुत डिफरेंसेज है। और जो एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली सी इंस्टीट्यूट ने आईसीआई ने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज किया है, न्यू स्कीम लेके आए हैं सी ए फाइनल की, सभी स्कीम चेंज की है, लेकिन सी ए फाइनल में न्यू स्कीम में उन्होंने बहुत ही ऐसी सब्जेक्ट नए चेंज किए और चैप्टर्स ऐसे किए हैं जो कि प्रैक्टिकली बेस्ड है, जो कि आर्टिकल शीट के बिना करना इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही सर टास्क है, आधा अधूरा रह जाता है सर। तो आर्टिकल शीट का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सर फिर आर्टिकल शीट की बात हुई तो फिर वही बात स्टार्ट हुई सर कि आर्टिकल शीट बड़े शहर से होती है, बिग फोर्स में जाओ, बिग 20 में जाओ, मेरे साथ सर ऐसा रहा है। लेकिन हिसार के अंदर सर मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है। अच्छा, आपकी आर्टिकलशिप भी हिसार में ही हो रही है? सर मेरी पूरी सीए ही हिसार के अंदर, पूरा पैकेज ही यहाँ का है। बिल्कुल सर, मेरी पूरे सीए ही हिसार के अंदर रही है। आर्टिकलशिप सर मैंने हिसार के अंदर ज्वाइन की, क्योंकि हिसार हम बोलते हैं कि शहर, मतलब सीए के नाम पे जो बच्चा पढ़ रहा है ये सिर्फ उसी को पता है कि हिसार में क्या है सीए के लिए, लेकिन जो बाहर का बच्चा उसको नहीं पता कि हिसार के अंदर भी एक सीए बन सकता है। ठीक है। तो सर मैंने आर्टिकलशिप भी हिसार के अंदर की, एनसी रॉयल कंपनी फर्म है हिसार की, उनके अंदर आर्टिकलशिप किया सीए फाइनल लेवल के अंदर। सर मेरे लिए सर पॉसिबल नहीं था कि मैं कोचिंग्स ले सकूं सारे एग्जाम्स की। ठीक है। क्योंकि सर अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो सर आपको मन से करना पड़ेगा, और मन से करना है तो आपको मतलब की अचीव, अगर आपको आर्टिकलशिप मन से करना है तो आपको सर सारे एग्जाम तो कोचिंग्स तो मैं नहीं मानता आप ले सकते हो। ठीक। आपको खुद भी पढ़ने पड़ेंगे। और सर मैंने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट किया सर मुझे ये फील आ गई थी कि हाँ आर्टिकलशिप में सीखने को बहुत कुछ है। और मैंने सर अलग अलग जगह जाके सर काम किया है, ऑडिट किया है सर, मैं अहमदाबाद भी गया हूँ, मैं सर मल्टीपल टाइम सर हैदराबाद भी गया हूँ, ओडिशा भी गया हूँ, ठीक है सर पुणे भी गया हूँ, ठीक मैं बहुत जगह काम किया है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मतलब कि मल्टीपल स्टेट के अंदर जाके मैंने आर्टिकलशिप किया है, मैंने काम सीखा है। वहां जाके मुझे लगा पता कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है कि जो मैं प्रैक्टिकली पढ़ रहा हूँ और जो मैं थ्रेटिकली देखता हूँ, मतलब जो प्रैक्टिकली किया है और थ्रेटिकली में बहुत डिफरेंस है। और सीए फाइनल के अंदर आपको वो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्रेटिकल आप कितना याद कर लोगे, और याद कर लोगे तो उसका आगे जाके तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो सर इसलिए आर्टिकलशिप भी अच्छी फर्म से करना कंपलसरी था, तो इसीलिए सर मेरी फर्म अच्छी थी और मैंने काम भी अच्छा किया। तो सर मैंने उस लेवल पे ये सोच लिया था कि मैंने सेल्फ करना है, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट के अंदर सर मुझे ये आदत आ चुकी थी, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले सोल्व करता था, फिर आप क्योंकि फिर वो सोल्व करवाते थे, मैं फिर से सोल्व करता था। जब इंटर में इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए सर, तो फाइनल में सर टाइम भी होता है अपने पास, अगर आप उस टाइम को प्रॉपर यूज कर पाओ प्रॉपर सिस्टम से विदाउट एनी टेंशन की कोई बात नहीं, आपका एग्जाम है, आपका अटेम्प्ट है आगे जो भी 3 साल बाद होता है, प्रॉपर टेंशन प्रॉपर सिस्टमेटिक। और सर मैंने अपनी कंप्लीट आर्टिकलशिप में सर स्टार्टिंग के 6th 7th महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक कोई भी स्टूडेंट जो इंटर पास करके आता है आर्टिकलशिप करता है तो 1 या 2 महीने तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो 2-3 महीने सर मुझे ये समझने लगा कि सिस्टम क्या है, कैसे करना है, क्योंकि सर ऑफिस के अंदर सभी काम होते हैं सर, फोटोकॉपी भी होती है, सब करते, लेकिन सर वहां के लिए सर मैंने सीखा है कि आर्टिकलशिप क्या है। तो 6-7 में मैंने कुछ भी नहीं किया सर। हाँ, वो एडजस्ट होने में आपको एक टाइम लगा थोड़ा सा। फिर मैंने देखा कि मेरा एग्जाम्स भी आ रहा है, और सर मैंने उस टाइम, क्योंकि सर मैंने इंटर में सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था, मेन बात यह सर, क्योंकि रैंक करना है उसको आपको बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और मैंने जब सिंगल सिंगल ग्रुप दिया तो मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बोझ रूप दिया जाए सीए फाइनल के अंदर। अगर आपको रैंक अचीव करना है तो आपको स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा कि आपको रैंक का तो नहीं कहूंगा लेकिन बोझ रूप देना है ये सोचना पड़ेगा आपको। रैंक तो बात की बात है, आपकी तैयारी कितनी है, कैसे आपकी प्रिपरेशन है, लेकिन अगर आपको सर रैंक लेके आनी है तो बोझ रूप तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और सारे एग्जाम अच्छे मार्क्स से स्कोर करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने, तभी रैंक आती है सर। ठीक। तो सर मैंने उस टाइम सोच लिया था कि देना तो बोझ रूप के, रैंक की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं रैंक ले सकूं उस टाइम की बात बताऊं तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, कि मैं सर एक एवरेज बच्चा हूं सर, रैंक लाना सर मेरे ड्रीम में लगा लो कुछ लगा लो कि रैंक भी क्या चीज होती है सर, उस टाइम मेरे माइंड में सपनों के पार की चीज थी, भी रैंक भी आ सकती है। तो सर मैंने उस टाइम मैंने सीए फाइनल की सर ग्रुप फर्स्ट
कंप्लीटली सेल्फ स्टडी किया सर। आपने पूरे सारे सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से किए? ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप वन, क्योंकि दो ग्रुप होते हैं फाइनल के अंदर, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ओके, मैंने ग्रुप वन के अंदर अपना चारों के चारों एग्जाम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, ऑडिट एंड लॉ, मैंने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी बेस किया है, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी थी सेल्फ स्टडी करने की। ये आदत का कैसे मतलब सर? आदत ये थी ना सर, आदत का मुझे लगा इंटर में पता सर। ओके, ये सेल्फ स्टडी की आदत मुझे इंटर में लगी पता, क्योंकि सर को, सर कोई भी लो के अंदर कोई मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो लो रहा है। ओके, फिर पेपर मेरी मान दो कि कुछ भी लगा लो सर, लो मेरा और ऑडिट मेरी हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि लो ऑडिट में तभी नंबर आते हैं अगर आप खुद से पढ़ सको, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सको। अभी इसकी आदत सर मुझे लगी इंटर में, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, पारस ज्वाइन किया, तो सर यहाँ का जो टेक्निक है, जो यहाँ का प्रॉपर है सिस्टम, जो जहाँ बच्चे कोचिंग्स ले रहे हैं, और यहाँ का जो एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर 100, क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हो तो रिजल्ट निकलता है ऑल इंडिया लेवल पे 8%, 9%, 10%, 11% या मैक्सिमम 20%, 19-20%। लेकिन पारस का जो रिजल्ट है वो मोर देन 70% रिजल्ट है यहाँ का। ये कारण मेरा था यहाँ पे ज्वाइन करने का, एक कारण जो मैंने पहले नहीं बताया आपको। अच्छा। क्योंकि हर बच्चा देखता है रिजल्ट किसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट द बेस्ट इज रिजल्ट, जिस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा है वो तो अच्छा कमाई है सर। तो आपने इस 70% की जो जनरली ये होता है कि यार 70% ऐसे कैसे आ सकता है रिजल्ट, 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, तो चलो कोचिंग सेंटर है तो किसी का 30% आ गया, ये 70% जो रिजल्ट आता है, इसके ऊपर कोई सवाल उठाए आपके, जैसे मान लो आपको सभी लोग सुन रहे हैं कि यार सीए इंटर का कोई 70% रिजल्ट थोड़ी आ सकता है, तो उसके बारे में क्या आपका? सर 70% का, सर 70% में सर मैं एक ही बात बोलूंगा सर, जब सर मैंने ग्रुप वन क्लियर किया उस टाइम सर रिजल्ट आया था 8% के साथ, जो कि ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल इंडिया, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि शॉकिंग न्यूज थी कि इंटर के अंदर 8% रिजल्ट, ठीक है। तो सर मेरे जो दोस्त थे जो पारस से नहीं कर रहे थे, जो मैंने बात की थी मैंने इसकी, उनमें से सर एक ही बंदे ने पास किया। ओके, बाकी कोई पास नहीं कर पाया। अच्छा, छह में से सर मैंने तो पास किया, सात लोग थे आपने क्लियर किया और उन छह में से एक ने क्लियर किया। ओके, उन्होंने बहुत ग्रुप अटेम्प्ट किया था जिन्होंने पास किया था। अच्छा, मैंने सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट किया था और बाकी ने भी सिंगल अटेम्प्ट किया था, उनका नहीं क्लियर हुआ, मेरा क्लियर हुआ, एक उनका क्लियर हुआ, ठीक है, और बाकी ऑल ओवर इंडिया जो बहुत से बच्चे थे उनका नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी अपने सर पारस इंस्टीट्यूट का 60+ गया था सर, ठीक है। अपना जो रिजल्ट है नॉर्मल वो 70% तो है ही है, लेकिन मई 16 का जो रिजल्ट है वो ओवरऑल इंडिया वैसे भी 8% था, तो 8 और 16 में सर 52% का अंतर आ गया, ठीक, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट आई सर। ये अचीवमेंट सर क्या है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर आप फॉलो करोगे, टेस्ट कंडक्ट करवाओगे, बच्चे को क्वेश्चन अनसोल्व दो करने के लिए सर, एग्जामिनेशन में उसका स्कोर सर वेल होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा इतने टेस्ट दे देता है, इतने दे देता है सर, एग्जाम में जाके नहीं लगता आप बैठे हो सी एग्जाम में, आपको लगता है कि आप वही एग्जाम में बैठे हो, छोड़ो यार फटाफट लो खत्म करो यार, क्योंकि इतना सर एग्जाम होते हैं यहाँ पे, मतलब कि मैं खुद की बात करूँ सर, मैं एग्जाम दे देके सर पागल हो गया सर, ठीक है यार कितने एग्जाम दूँ। और सर पारस वाले क्या है कि इनकी एक गंदी बात ये लगती है कि जिस दिन छुट्टी मार लो घर फोन कर देते हैं ये गंदी बात लगती है, गंदी बात स्टूडेंट को तो गंदी लगेगी सर, ठीक बात है। मैंने दो तीन दिन छुट्टी मारी सर, घर फोन कर दिया, मेरे फादर बोलते सीए करनी है तो कर लो, नहीं भेजा वापस आ जा, तो स्कूल की सी फीलिंग नहीं आएगी यार, बच्चा नहीं आया तो बिल्कुल सर। और ये है कि टेस्ट में भी जो होती है तो आज अच्छा लग रहा है वो, ये गंदी आज भी गंदी बात नहीं सर, आज तो बहुत अच्छी लगती है सर ये बात। और सर एक बात हो रहा है कि जो भी आपकी ये टेस्ट करते हो एवरी वीक एवरी मंथ, उसकी एक शीट बनती है पूरी रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चा देखता है कि यार मैं किस रैंक में आ रहा हूँ अपनी क्लास के अंदर। अच्छा। उसके अंदर भी सर बुरी बात ये आपकी, जो बच्चा परफॉर्म ना करे तो गर्लफ्रेंड कर देते हो आप, बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चे के लिए सर वो गलत बात है, लेकिन सर ये बच्चे के लिए गलत है, लेकिन अगर मैं अब सोच रहा हूँ सर वो बच्चे के लिए सही बात है, क्योंकि उससे क्या है कि बच्चा करता है कि हाँ मेरे घर फोन कर दिया, फिर रहता है हाँ, कि मुझे इम्प्रूव होना है, कंट्रोल है। स्टार्टिंग में सर मेरे भी अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो मेरे रिकॉर्ड्स अभी भी पारस के अंदर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हो कि मेरे भी स्टार्टिंग के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आया करते यहाँ पे, मैंने भी छोटी बहुत ली है, मैं नहीं आया करता, मेरे घर फोन कर देते थे, ठीक है, मेरे भी स्टार्टिंग में मंथली रिपोर्ट में मार्क्स नहीं मिलते थे तो मेरे घर फोन करते थे, तो फैमिली वाले की बात बोलते थे भैया नंबर कम आए हैं, देख ले, अगर करनी है तो कर ले, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन हाँ उस टाइम भी मेरी फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं था फोर्स, वो तो आपको समझते थे किसी करनी है, क्योंकि उस टाइम क्योंकि इस लेवल पे हम इतना मैच्योर हो चुके हैं सर की
हमको खुद सोचना है करनी है नहीं करनी, क्योंकि कोई भी दूसरा बंदा नहीं बोल सकता कि तुमने सी करनी है। बिल्कुल, वो खुद से मोटिवेट होगा, अपने आप से मोटिवेट होगा, वो सी क्लियर करेगा। हर बंदे का ड्रीम होता है मैं सी ए बनूं और आज मैं कर सकता हूँ, आया मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे जैसे घर पे फोन कर देना, बच्चा नहीं आए तो फोन कर देना, मंथली रिपोर्ट में मार्क्स कमाए तो फोन कर देना, तो इस तरह से कोई यूं फीलिंग नहीं आती थी कि यार स्कूल से आए थे स्कूल में फंस गए, प्लस टू तो पास हुई नहीं, ये तो सर कॉलेज लाइफ कोई चीज होती है। कॉलेज लाइफ से सर भूले गए थे हम। और एक सवाल सर जो मतलब कि हर सीए स्टूडेंट को आता है, जो कि घर वाले रिश्तेदार दोस्त जिनको सीए के बारे में नहीं पता, वो एक ही बात पूछते हैं कि सीए कौन से कॉलेज से किया आपने। और उस टाइम दिल में बहुत दुख होता है यार, कॉलेज लाइफ ज्वाइन नहीं की और उनको क्या बताएंगे यार, कॉलेज होता है इसमें नहीं। जैसे पारस पे मान लो भाई, पारस की बात करते थे सर, पारस के अंदर यही तो बात लगी सर कि मतलब कि यहाँ पे क्या है कि डंडा भी आपके ऊपर, मतलब आपको काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन सर एक खास बात क्या है कि एंजॉयमेंट भी है। अच्छा, वो आपने एंजॉय किया है? बिल्कुल, किस तरह से एंजॉयमेंट सर यही है, क्लास से पहले भी जैसे कि आप स्पेसिफिकली जोक से स्टार्टिंग करना क्लासेस को, और जब आपको लगे कि बच्चा बोर हो रहा है फिर से एक दो जोक सुना देना, और सर वो बात तो सर अलग है, लेकिन सर एक बात हो रहा है कि यहाँ पे जो लेक्चर्स मिलते हैं मोटिवेशनल, योगा के बारे में सिखाना, मेडिटेशन कोर्स है, उससे सर मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि पहले मेरा मन नहीं था वो कोर्स करने का, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने सर पारस ने हमको बताया कि एक मेडिटेशन कोर्स होता है आप ज्वाइन करो, हफ्ते का कोर्स था लेकिन आपने बोला कोई बात नहीं आप ज्वाइन करो, आपकी क्लासेस अभी हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आपने हमको बोला कि कोर्स ज्वाइन करो, हमने ज्वाइन किया, मेडिटेशन किया, उससे सर माइंड बहुत इंप्रूव हुआ। और सर बहुत ही ऐसी ऐसी सेशन लेना कि कोई डाउट है आपको हमसे बात करो, और सर मेन बात है कि हमको अपनी फैमिली की याद नहीं आई, क्योंकि पारस के अंदर क्या है कि बच्चा फैमिली की तरह ही है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ अगर पारस से आप एक बार हो गया अटैच, लाइफ टाइम हो जाएगी बीत जाएगी, लेकिन पारस आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि इज लाइक अ फैमिली। बस यही आपसे बोलना चाहता हूँ। अभी आपने वर्ड भी यूज किया कि भी हमारा पारस, हमारा अपने पारस सर, नहीं क्या क्या कि ये बातें अपने आप आती है मन से। ठीक है सर, जो है कनेक्शन वो मैं यहाँ पे सामने आ रहा है निकल के। पार्टी वार्टी भी होती है सर? पार्टी होती है सर, मतलब कोई ज्यादा ही स्ट्रेसफुल बात है तो फिर पार्टी हो जाती थी कोई, जैसे कि इसमें क्या है कि एग्जाम से पहले भी अपने कंप्लीट पार्टी होती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा इंटर का एक दिन डांस होता है पूरा अपना, उससे क्या है कि जो टेंशन है सब रिलीज हो जाती है और बच्चा फुल माइंड में जोश से एग्जाम देता है। फाइनल बात फाइनल की करते हैं। फाइनल में आपने जो ग्रुप वन है वो पूरा का पूरा आपने सेल्फ स्टडी से किया, ग्रुप टू के कितने सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से किए? वन सब्जेक्ट, मतलब आपने आठ में से पांच सब्जेक्ट तो सेल्फ स्टडी से किए। बिल्कुल सर, ठीक है। तो उसके बाद फिर पारस का तो साथ छूट ही गया होगा जैसे फाइनल के अंदर। बिल्कुल सर, मतलब कि जब मैंने सीए इंटरव्यू कोचिंग कंप्लीट किया, आर्टिकलशिप पे कंप्लीट किया, तो पारस का लगभग एक डेढ़ साल तक मेरा कोई नहीं था कनेक्शन, मैं अपनी में बिजी था और पारस यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन फिर भी सर मन में फील आती थी कि मैं वहां से हूँ पढ़ा, और जब मैं ग्रुप वन सेल्फ स्टडी करता था तो सेल्फ स्टडी मुझे पारस ने ही सिखाया। मैं ट्वेल्थ तक तो कभी नहीं समझ सकता था कि हाँ मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सर पारस ने ही मुझे पारस ने तो मैं नहीं बोलूंगा बट पारस की ही गाइडलाइंस की वजह से मैं ये कर पाया कि मैं सेल्फ स्टडी कर पाया, इंडिपेंडेंट हो गया। क्योंकि सर मेरे लिए सर बहुत मुश्किल था कि कोचिंग देना, क्योंकि एक बड़ा कारण क्या था कि मेरा जो था घर वो किसी और शहर में था, और उस जाखल के अंदर सर सीए का दूर दूर तक कुछ सेंटर भी नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, फाइनल का कुछ भी नहीं है सर। और सर मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि सर मुझे वहां से ट्रेवल भी करना होता था घर पे, तो सर कोचिंग का तो सर मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैंने कोचिंग लगानी है। मेरे माइंड में था कि जो दो तीन एग्जाम है जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़े, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसलिए मैंने सेल्फ किया क्योंकि सर जहां मैं ट्रेनिंग करता था, आर्टिकल शिफ्ट करता था, वहां की जहां पे मैं ऑडिट करता था, वहां पे उनकी पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट थी, जो भी उनकी कंपनीज अकाउंट है, वो एज पर इंडिया थे सर। वहां से मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकली मैं करता उस चीज को सर, मैं आके रात को बैठ के सर उस इंडिया के बारे में प्रॉपरली मैं पकड़ता भी इंडिया का है। और सर इस अंदर मेरे बॉस हैं जो गौतम अग्रवाल, उन्होंने बहुत हेल्प किया सर मेरा। सर मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, गौतम सर को, कि थैंक्स लॉर्ड सर। और सर जो मेरे सीनियर थे सर, उन्होंने सर बहुत हेल्प करी सर। सर स्पेसिफिकली रिशु भैया
सर बहुत हेल्प किया मैंने सर, मेरा उन्होंने सर मेरा सीए फाइनल तक का पूरा साथ दिया। थैंक यू ऋषि भैया, मतलब कि उनके बिना सर मैं अपनी सीए कंप्लीट नहीं मान सकता, उनके बिना मेरी सीए कंप्लीट नहीं है सर। तो सर वहां से मैंने सेल्फ स्टडी कंप्लीट किया ग्रुप वन का। मुझे इतना था कि सर मैंने बौद्ध करना अटेम्प्ट, और ये था कि अगर बौद्ध रूप अटेम्प्ट करना है तो आपको 4 या 5 महीने पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी आपकी कोचिंग या सेल्फ स्टडी, वन टाइम तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, फिर उसके बाद रिवीजन वगैरह सारी अच्छे से तो मैंने ग्रुप वन किया। ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट इलेक्टिव अभी इंस्टीट्यूट ने जो ओपन बुक एग्जाम किया है वो मैंने खुद पढ़ा। लो लिया था मैंने, जो ऑप्शन सब्जेक्ट है लो लिया था, क्योंकि लो में मेरा सर इंटरेस्ट है सर। मैंने कोई कई बार आजकल क्या है कि बच्चे बहुत ही डाउट आ चुका है कि इलेक्टिव पेपर वो बच्चे ये समझ रहे हैं कि पेपर है ही नहीं कोई वो, क्योंकि वो ओपन एग्जाम है, वो खोल के लिखने तो कुछ बड़ा कैजुअली लेते हैं। बट सर मैंने ऐसा नहीं किया। और सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सीए फाइनल का ग्रुप फर्स्ट सेल्फ किया, सेकेंड ग्रुप का एक एग्जाम सेल्फ किया पेपर 6D का इकोनॉमिक लॉ। अब उसके बारे में बात बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक लॉ या कोई भी पेपर है जो जो भी इलेक्टिव पेपर है इंस्टीट्यूट ने, वो इंस्टीट्यूट ने इस माइंडसेट से किया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। ओके, नवंबर 19 एग्जामिनेशन का पेपर बताऊं सर बहुत ही हार्ड दिया था। ओके, और सर मुझे इसमें इतना बेनिफिट इसलिए हो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का जो पेपर था लो मैंने वो चूज किया था। लो क्योंकि मेरा मैंने पहले भी बताया मेरा लो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो जो मैंने लो चूज किया मुझे उसका बेनिफिट हुआ और मेरे अच्छे नंबर लो में स्कोर हुए, मैंने उसमें अच्छे मार्क्स आए। और सर मैंने ग्रुप टू की 3 कोचिंग बाहर से ली थी। ठीक है ना, 3 कोचिंग कोस्टिंग आईडीटी एनडीटी मैंने बाहर से ली थी। एंड मेरी सर और सर मैंने कोचिंग को ऐसे मैनेज किया कि मेरी आर्टिकल शिप के ऊपर कोई हैम्पर ना हो, क्योंकि मेरे लिए क्या है कि सर आर्टिकल शिप एंड सीए डिग्री बहुत इक्वल। ठीक, और मैंने एग्जाम लीव भी उतनी ही ली जितनी आईसीएम को अलाउड करता है। मैंने बिल्कुल फालतू लीव नहीं ली उसके लिए, जितने आईसीए अलाउड करता है मैंने उतनी ही लीव्स ली। और मैंने मेरे बॉस से ऑफ मांगा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए बॉस के लिए, तो मेरे बॉस ने किया कि उसने हमारी जो शीट है हम जो मेंटेन करते हैं उन्होंने देखा कि मेरी लीव इतनी नहीं है कि जितनी आईसीए की चाहिए उतनी ही लीव सर ने मुझे दी अलॉट की। ओके, क्योंकि हमारे सर की क्योंकि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो आईसीआई की ही देन है, और हमारे सर भी उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते थे और मुझे जो लीव है उन्होंने वही लीव दी। ठीक, उस टाइम सर मुझे बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा उस टाइम तक फर्स्ट कट जो बोलता हूं मैं कि मेरा कंप्लीट था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने हर एग्जाम को गो थ्रू कर लिया था। ठीक, क्योंकि इसलिए गो थ्रू किया था क्योंकि मेरे माइंड में था कि देना तो बहुत रुपया है। ठीक, उस टाइम भी मेरे माइंड में रैंक का कोई ख्याल नहीं था। ठीक है, सिलेबस पूरा होने था कि मेरे माइंड में रैंक का दूर ख्याल नहीं था कि रैंक लेके आऊंगा। ठीक है, बट ये था कि बहुत रुपया देना है। सिलेबस कंप्लीट हुआ क्योंकि सर सिलेबस कंप्लीट करने में सर मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़े, क्योंकि सुबह 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस बाहर जाता हूँ, स्टेशन 9:30 से 7 बजे जाते हैं, कभी कभी 8 बजे जाते हैं, कभी कभी 9 बजे जाते हैं, और कभी कभी सर हाई प्रेशर पे 10-11 बजे जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन थी सर। उसके बाद भी सर हर रोज 3 टाइम निकाल के कंसिस्टेंट निकाल के 4 से 5 घंटे पढ़ना सर, उस टाइम भी पढ़ना टाइट शेड्यूल के अंदर सर बहुत था। और सर जो मेरी आदत है मूवीज की वो भी सर मुझे मेंटेन करनी थी, तो सर मैंने अपने आप को सर मैनेज किया सर, नो हाउ मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा सर, क्योंकि सर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मैं वो तो हूँ नहीं कि जो पढ़ेगा याद हो जाएगा। मैं बार बार पढ़ता था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरे लिए नया एग्जाम था, फर्स्ट टाइम पढ़ा, समझ नहीं आया, ऑब्वियसली बात है समझ नहीं आएगा, किसी को भी समझ नहीं आएगा। सेकेंड टाइम पढ़ा थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मैं ऑडिट करता था, जैसे नए पॉइंट लगे पता चेक करता था भी उस इंडियस में क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो आप मैच करते थे प्रैक्टिकल और जो लिखा हुआ है उसके अंदर, और वो बिल्कुल सेम टू सेम था सर। ठीक है, जो लिखा हुआ है बुक से वही प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो गया, बट मुझे फील आ गई थी कि FR के अंदर आई गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा स्कोर कन्फर्म करूंगा, मुझे विश्वास था। ठीक, SFM भी था फाइनेंस रिलेटेड, इंटर के अंदर FM थी, हालांकि FM से बहुत अलग है लेकिन सिमिलर ही है, मतलब उससे आप बोल सकते हो कि बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन अगर बच्चे के अंदर सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ कर सकता है। ठीक है, वो बेस बना हुआ वहां से बिल्कुल। और बाकी जो आईसीए की बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं सर, क्योंकि सर बच्चे क्या है आईसीए की बुक्स फॉलो ही नहीं करते। मैंने पूरे का पूरा ग्रुप बना आईसीए की बुक से फॉलो किया। ठीक है, ऑडिट भी, SFM भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी, RTPs, MTPs, पार्शियल पेपर्स, मैंने कंप्लीट आईसीए के फॉलो किए। मतलब आपका मतलब है कि आईसीआई के मटेरियल का मतलब खाली स्टडी मटेरियल नहीं सर, आईसीआई का मटेरियल का मतलब है स्टडी मटेरियल तो है ही है उसके अंदर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन, उनके सिलेक्टेड आंसर्स,
मतलब कि ये सब सब कॉम्बिनेशन का मिला के ही आईसीआई जो मटेरियल बनता है वो होता है, क्योंकि जनरली बच्चे के दिमाग में एक ही मैसेज आता है कि आईसीआई मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल। और सर अभी तो कंफ्यूजन भी हो चुका है ना, क्योंकि न्यू स्कीम आई है, ठीक है, मेरी भी न्यू स्कीम है। ओके, इसके अंदर जो पीएम बोलते हैं प्रैक्टिस मैनुअल वो तो है नहीं, है नहीं। हाँ, पहले प्रैक्टिस मैनुअल भी होता था, क्योंकि पीएम का मतलब क्या है कि जो पास ईयर क्वेश्चन आए हैं उसका कंपाइल करके दे दिया कि तुम्हारा पीएम है, स्कैनर होता था। न्यू कोर्स तो 3-4 अटेम्प्ट, मेरा नवंबर 19 का 4th अटेम्प्ट था, ठीक है। अब बच्चे कन्फ्यूज थे कि यार क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, स्टडी मैड में क्वेश्चन नहीं है। सर एफआर के अंदर जब इंस्टीट्यूट का फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च हुआ था ना, 7 मॉड्यूल थे उसके अंदर, जब अगस्त 2017 का आईसीआई ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लॉन्च किया बुक रखनी, तो सर 7 बुक्स लॉन्च की थी, बड़ी बड़ी 7 मॉड्यूल मॉड्यूल्स मान के चलो पार्ट्स थे, पार्ट्स उस सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल था उस टाइम। और आप इसकी डेप्थ को समझते हैं कि इसका? सर मैं समझता हूँ कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कोर एरिया में स्पेशलाइज कर सकता है, राइट। मुझे काफी प्यार था इस एग्जाम से, तो मैंने प्रैक्टिकली भी एक्सपोजर लिया, मैंने ट्रेनिंग का, उससे बेनिफिट हुआ, सेल्फ किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंप्लीट हुआ, एफर्ट्स बहुत लगे सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसान से काम कर दिया, नहीं सर बहुत एफर्ट लगे। और सीए मैं क्लैरिफाई कर दूं, 10th या 12th से आसान बिल्कुल भी नहीं है, सीए 10th से बहुत मुश्किल है सर, और 12th तो सर, क्योंकि सर 10th 12th में होता ही क्या है सर, सीए तो सर उसके सामने सर माउंट एवरेस्ट जैसे बात लगा रहा, क्योंकि सर सीए बनना अपने आप में पहले अटेम्प्ट में बनना सर बहुत बड़ी बात है सर, तो मेरे लिए मुश्किल बहुत रहा सर। फैमिली का सपोर्ट था, दोस्तों का सपोर्ट था, हमारे जो बॉस हैं उनका सपोर्ट था, ऋषु भैया का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, लीव मिल गई एग्जाम के लिए, पीजी वही जो मेरा पीजी कंटिन्यू था। ये कितने महीने पहले की बात है, जब जैसे सिलेबस खत्म कर लिया आपने, तो ये कौन से मंथ के अंदर सिलेबस खत्म हो गया? मतलब सर मेरा ऐसा प्लान था कि मैं जिस दिन आर्टिकलशिप लीव करूँ ना, मेरा उसी दिन सिलेबस पूरा हो, ताकि आप रिविजन के ऊपर लग जाए। मैंने अपना 4 months के अराउंड 4.5 months, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 4 या 4.5 महीने मान सकते हो, मैंने गैप था मेरा एग्जाम के और आपके रिवीजन के बीच में, ठीक। तो मैंने फटाफट रिवीजन स्टार्ट किया, और जो मेरा पैटर्न था रिवीजन करने का, हालांकि अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, जो बच्चा है खुद से सोच सकता है मैंने पढ़ना कैसे है, क्योंकि असली चीज तो जो बच्चा है उसी को पता है कि मैंने पढ़ना कैसे है, ठीक। मैंने तो सर मेरा सिस्टम यह था कि जो मैंने सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था, जब से मैंने किया था पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले मैंने वही किया, वो वही सब्जेक्ट मैंने रिवाइज किया। रिवाइज मैं करता था एक सिंगल सब्जेक्ट को, ठीक। कहीं बच्चे मैंने सुना है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे मॉर्निंग में ये कर लिया, इवनिंग में ये कर लिया, इससे पता है कि मैं क्यों नहीं करता था। कारण इसका एक कारण ये है कि सर मान लो अगर एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करने में कंप्लीट डे उसको आप दे रहे हो, और मैं क्लियरली कर दूं, मैं हर रोज कंटिन्यूसली 4.5 महीने में 12 घंटे स्टडी किया कंटिन्यूसली, नॉट अ सिंगल डे मिस्ड, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, फैमिली फंक्शन हो, इवन आई स्किप माय फैमिली फंक्शंस आल्सो। मैंने मेरे होम था जाखल में, हिसार में था, मैं घर भी सर 40 दिन में पहुंच गया, और घर जाके भी मैंने पढ़ना, ट्रेन में था तब भी सर मैं बुक खोल के बैठ रहा था, क्योंकि सर मेरे लिए आसान नहीं था रिकॉल करना, क्योंकि बहुत सिलेबस हो जाता है सर, ठीक है सर। तो मैंने किया, कंप्लीट किया, तो मेरा ये था कि टाइम लगता है कंप्लीट होने में, 8 days में कंप्लीट हुआ एक एग्जाम, 8 days में अगला कंप्लीट हुआ एक एग्जाम, और 8-8 दिनों के अंदर 8 days 10 days वो सब एवरेज मतलब वेरी गुड, ठीक है सर। इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को मतलब कि अगर आप पर डे के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो वो 8 में तो वो तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैंने सिंगल को 8 दिन 8 days में पूरा किया है, अगर मैं 2 पढ़ रहा हूँ तो वो तो 8 दिन में पूरा होगा नहीं, बिल्कुल वो 16 दिन लगाएगा, और वो 20 दिन भी लगा सकता है, क्योंकि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट को बीच में स्किप कर देते हो ना, तो अगले दिन उसकी स्पीड बनाना मुश्किल हो जाता है। और मान लो 20 दिन लग गया आपके 2 एग्जाम कंप्लीट करने में, तो 15 दिन बाद तो लगेगा ना आपको पता कि यार मेरा अभी तक तो एक भी एग्जाम नहीं कंप्लीट हुआ, वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कहां आप 8-10 दिन में एक एग्जाम कंप्लीट कर दोगे। एक सर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अचीव करनी होती हैं, और जो बच्चा क्योंकि मैंने था सोचा, क्योंकि मैंने रैंक नहीं देखा, मैंने बहुत जोर देना था, ठीक, मैंने अपनी तैयारी करनी थी उस टाइम। अब सर जैसे तैसे करके सर बीच में जो भी फैमिली भी जाना था, दोस्त भी पार्टीज भी होती हैं सर, अपना सिस्टम भी करना था, सब कुछ करना था। अब जब एग्जाम का टाइम पास आया 2 मंथ पहले, 2 महीने या 2.5 महीने, तब देखा कि यार चलो जो भी तैयारी थी एक बार तो कंप्लीट कर ली, 2 बार कर ली, अब चेक कैसे किया जाए उसको कि जो मैंने किया है तैयारी वो सही है नहीं सही। क्योंकि ये क्या है कि सर
इंटर के बाद फाइनल का एग्जाम होता है 3 साल बाद, ये सर आप मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड गैप आता है पार्टनरशिप का। इंटर के आप बाद आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती लिखने की? हाँ, क्योंकि वो आप आर्टिकलशिप की ऑडिटिंग की दुनिया में रहते हैं, कोई बीच में कोई टेस्ट वेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है, और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर पे काम करते हो? Yes. मतलब कि आपको टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं आती करनी? mm-hmm. क्योंकि वो तो आपका सॉफ्टवेयर बना कर देता है कैलकुलेशन, तो कैसे लिखें आपसे? तो सर इसके लिए मैंने एनालाइज किया कि अगर आपको चेक कर रहे हैं अपने आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो हम कैजुअली देख लेते हैं, आगे तो आता है अपने को, ये तो हो जाएगा हमसे कंप्लीट, लेकिन सर कुछ मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोल्व करोगे ना एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के, तो वो सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैंने देखा कि मैं कुछ तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो सर जब मैंने कोचिंग इंटर की यहां से ली थी, सीपीटी की यहां से ली थी, तो मेरे दोस्त जो पहले सीए बने यहां से, वो बोलते कि पारस की सीए फाइनल की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। ओके, जो कि आप न्यू कोर्स जब से आया तब से लॉन्च कर रहे हो, जो कि सर बहुत अच्छा है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमको भी इसका बेनिफिट बहुत हुआ है। तो मैंने सर फिर ये ज्वाइन करी, और मैं ये बहुत बात बोलता हूँ कि जब मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, उस दिन जब मैं ऑफिस में आया तो सर मेरे को उस दिन मिले थे, सर को मैंने ये बात बोल दी थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि सर मैं रैंक लेके आऊंगा। मेरे मन में ऑटोमेटिकली फील आया कि मुझे रैंक लेके आना है। अब ऐसा क्यों आया मुझे नहीं पता, कॉन्फिडेंस या कुछ भी लगा सकते हो आप, जो आपको फील आए, ठीक है ना। बट मैंने सर को ये बात बोली थी कि सर मैं रैंक लेके आऊंगा, और मैंने ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, क्योंकि मैं अगर सर को बात बोल रही है तो मैंने कंप्लीट करनी है। तो मैंने क्योंकि सर आपको मैंने बात बोली थी रैंक लेके आऊंगा, रैंक आएंगे सर, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो सर जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, क्योंकि 2 महीने पहले अपने यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, और कंप्लीट पर पैकेज है, मतलब कि आपको जो प्रॉपर शेड्यूल दिया जाता है टाइम लिमिट का, मतलब कि आपके जो पूरा कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, UT1, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, फाइनल टेस्ट 1, फाइनल टेस्ट 2। मतलब आपको प्लस पॉइंट लगा ये चीज़? सर बहुत प्लस लगा, क्योंकि सर मेरे फर्स्ट टेस्ट के अंदर सर 100 मार्क्स का सर मैं अटेम्प्ट में से हुआ ही नहीं सर। ओके, और सर हाथ पेनिंग पे सर लिखते हुए सर वो आ रही थी कि लिखूं क्या, वो प्रैक्टिस भी नहीं थी, प्रैक्टिस बहुत लंबा टाइम हो गया था। और सर 3 घंटा बैठना वहां पे मेरे लिए सबसे मुश्किल, आदत छूट गई थी इस चीज की। 1.5 घंटे बाद सर युवा उठ के चल अब नहीं होता जाओ, लेकिन नहीं आपको थक बैठेंगे। मैंने सर फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकेंड टेस्ट दिया, थर्ड टेस्ट दिया, मतलब क्या कि 2 महीने मैंने कंटिन्यू टेस्ट दिए, मतलब बीच में फीलिंग भी आती थी कि यार क्यों इतने टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कि गैप नहीं मिलता सर, कि मतलब कि आज एग्जाम छुट्टी फिर एग्जाम, 3 घंटे का एग्जाम छुट्टी फिर एग्जाम 3 घंटे का प्रॉपर आई से पैटर्न से, पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा रीड करने के लिए, फिर 15 मिनट के बाद आपको शीट मिलेगी रीड, मतलब वैसा नहीं कि शीट भी आपको टाइम साथ ही मिल जाए तो शुरू कर पाओ, शीट भी 15 मिनट के बाद ही मिलती है। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से टेस्ट कंडक्ट हुआ, और टेस्ट जो मेरी चेकिंग की गई वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किए थे, जो ICAI की अकॉर्डिंग चेक किए थे, तो उसके अंदर मुझे स्टेप वाइज मार्किंग मिली। ठीक, जो ICAI की तरफ से अलॉट होती है, जो भी इनका मार्किंग पैटर्न है, सेम पैटर्न पे बिल्कुल मार्किंग की गई। ठीक, और जहां मेरी गलती थी वहां पे नोट किया कि आपने ये गलती की है, कमेंट किया जैसे कि FR का क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, मेरा बिल्कुल ठीक था, मुझे उसमें सिर्फ 12 मार्क्स ही मिले 20 में से। तो मैंने बोला कि यार मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, 12 नंबर क्यों दिए गए। तो मैंने कमेंट में पढ़ा कि आपने ये मिस्टेक करी, आपने इंडिया की रेफरेंस नहीं दी, इंडिया की रेफरेंस ना देने से मैं 2 नंबर गए वहां से। ओके, क्योंकि एग्जामिनर क्या बोलते हैं, अगर आपने एंट्री की है तो किस बेस पे की है, उसको इसकी वर्किंग चाहिए पूरी, उसका रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो इसलिए मार्क्स नहीं मिले। तो वहां से लगा पता हाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक, तो प्रैक्टिस हुई ऐसे करके, वरना वो गलती फाइनल एग्जाम में होती सर, बिल्कुल होती। और सर कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सोल्व किए थे अपने पीजी के अंदर बैठ के जहां मैं रहता था, लेकिन टेस्ट के अंदर सर वो क्वेश्चन सोल्व हुए मेरे से, वो ही घर से करके आ रहे हैं आप और वो यहाँ एग्जामिनेशन में नहीं सोल्व हुए सर। सर उस टाइम सर बहुत गंदा फील आता है, मतलब बंदा सोचता है कि यार मैं तो क्या सोचता था और क्या हुआ। और सर उस बात को सर मैंने इम्प्रूव किया, मैंने उसके ऊपर वर्किंग ऑन की, हाँ करना है, लेकिन टेंशन मैंने कभी नहीं ली सर। ठीक है, टेंशन क्यों लूं, मैं तो अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, तो कभी भी टेंशन नहीं लिया मैं, कहा यहाँ गलती हो जाए मंजूर है, ICAI एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो सर टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, टेस्ट सीरीज दिया और सारे एग्जाम दिए, स्किप कोई नहीं किया, और
पारस की सर टेस्ट सीरीज वैसे भी हार्ड थी सर, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालना, और जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता था बिल्कुल एक पैटर्न, एक अच्छा क्वेश्चन पेपर तैयार होता था कि बच्चा इसको अटेम्प्ट करे ना, जिसके एग्जामिनेशन इसमें स्कोर हुए तो आईसीआई का अनुभव उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने कंप्लीट पैटर्न फॉलो किया, आपकी भी सर कुछ गाइडेंस मिलती थी, कोई डाउट आता था तो आपसे क्योंकि डिस्कस कर लेते बच्चों का डाउट ये है कि पारस तो सीएम उसमें है नहीं फाइनल के अंदर, तो अगर टेस्ट सीरीज में कोई डाउट आ गया तो कहां से पूछोगे आप। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट्स भी हैं जो चेक करते हैं, वो भी क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट्स हैं। तो कोई डाउट आता था तो मैं उनसे बात किया करता कि सर क्या डाउट है, मतलब कि वही है कि सर पूरा का पूरा साथ रहा है सर, और जो मैंने कोचिंग्स भी बाहर से ली है सर, सुनो तो कोचिंग भी सर मैंने बाहर से ली है तो उनका बीच में अच्छा स्कोर रहा है, कम्युनिटी हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है सर, पारस का भी रहा है सर, और भी जहां से कोचिंग लिया उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज हुआ है सर, तभी जाके मेरा मैंने सीए फाइनल एग्जाम दिया कार्तिक जो है, तभी सर मैं क्वालिफाइड हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सर, और सर रैंक के साथ वाला सर, ये सर मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सर रैंक लेके आना सर हर बच्चे का होता ड्रीम, ये सर मेरी रैंक आए ऑल इंडिया रैंक सर, टैग मिलना सर बहुत बड़ी बात है अपने आप के ऊपर कि सर रैंक आए, क्योंकि सर मैं सोचता था कि सर रैंक होल्डर होते कैसे हैं, जब सीए में टॉपर्स निकलते थे या टॉप 10 या टॉप 50, क्योंकि सर रैंक स्पेशल, हाँ, स्पेशल एक स्पेशल फील होता है कि आपकी रैंक आई है, तो सर वो मैं महसूस करना चाहता था, लेकिन अगर आपको वो महसूस करना है तो उस लेवल की आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। मेरे मायने में सर एग्जाम के वक्त भी नहीं था मेरी रैंक आई, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब मैंने एग्जामिनेशन दिया सीए का जो मेरा अभी इंस्टीट्यूट ने लिया सीए इंस्टीट्यूट ने, मुझे सर रैंक का उस टाइम भी नहीं था कि मेरी रैंक आएगी, मैंने सिर्फ अपना काम किया, मेरे को यह था कि पढ़ना है एग्जाम देके आना है, रैंक का नहीं सोचा कि रैंक भी आ सकती है, क्योंकि मेरे माइंड में रैंक आपको मैंने वो था कमिट किया था कि रैंक आएगी, लेकिन कभी मैंने उसको अपने ऊपर नहीं रखा कि रैंक आनी जरूरी है, मैंने हमेशा ये ऊपर रखा कि आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्टली हार्डवर्क करना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है सर हम चैप्टर छोड़ देते हैं और उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आईसीआई कुछ भी पूछ सकती है सर, क्योंकि आईसीआई का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं सर, हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हाँ, कई बार कई बच्चे जैसे पिछले चैप्टर में आया तो छोड़ सर लाइव डेमो है सर, मई 19 का एग्जामिनेशन था, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी 16 मार्क्स का, ओके, एग्जाम में पूछ लिया सब्जेक्ट एफआर फर्स्ट पेपर, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया, मैं उसको नहीं पढ़ के गया, मैं क्या सर कोई नहीं पढ़ लेगा उसको, हाँ भाई वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है, नवंबर 19 फिर पूछ लिया क्या सेम क्वेश्चन, तो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है कि जो लास्ट टाइम आ गया वो इस बार नहीं सर, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया, 16 की जगह 12 मार्क्स का कर दिया, और बल्कि फालतू पूछा उससे वही सेम चीज 12 नंबर में पूछ ली, बस फर्क ये था 12 नंबर पूछ लिया था, हाँ भाई 16 वाला 12 पूछ लिया, चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली गई, हाँ, और फर्क ये था कि वो कंपल्सरी नहीं, उस मई में तो कंपल्सरी में दिया था लेकिन जो नवंबर में कंपलसरी में नहीं दिया, और ये टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये भी हुआ कि पारस के अंदर जो मैं एग्जाम दिए मैंने उसमें से 20 से 25 नंबर का ऑन एन एवरेज हर पेपर में वहां पे आया, अच्छा कॉमन था जो यहां पे, और बिल्कुल कॉमन था सर, नवंबर 19 का पहला कंपलसरी, क्योंकि सर कंपलसरी क्वेश्चन होता है यार ये आ जाए बस, हाँ ये जरूरी है करना, ये जरूरी है, छोड़ नहीं सकते, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नहीं, क्योंकि सर इसी का फर्क है कि अच्छे मार्क्स ना आने में, बिल्कुल, तो सर वही सर सेम क्वेश्चन, और सर मजे की बात क्या है सर, वो क्वेश्चन मैं सेवा भी सोल लूंगा, अनलकी रहा, लेकिन सर फिर मैंने सोचा कि मैंने वहां सोलो किया था तो मैंने माइंड लगाया, मैंने क्योंकि टाइम था मेरे पास 5-10 मिनट थे, तो मैंने माइंड लगा के थोड़ा सा देखा भी क्या किया था, तो मेरे वहां सोल्व हो गया सर क्वेश्चन, अच्छा अल्टीमेटली सोल्व हो गया, अल्टीमेटली सोल्व हो गया सर, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता नहीं सोल्व हो सकता सर, और 2-3 क्वेश्चन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और भी थे जो सेम आगे एग्जाम के अंदर, अच्छा तो वो एक कॉन्फिडेंस यहाँ बना हुआ था तो आपने वहां क्रैक, वहां क्रैक कर दिया सर, मतलब कि बहुत बेनिफिट होता है, एक्सेप्ट आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं आया, क्योंकि एग्जाम ही इतना अच्छा लेवल का पूछा गया था, और अभी जो सीएमए एग्जाम पूछ रहे हैं वो सर वो कॉन्सेप्ट बेस पे पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि फैकल्टी ने कुछ भी टीच कर दिया आप वहां कुछ भी लिख के आ जाओगे, आपको खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, फैकल्टी टीच करेगी क्योंकि हर फैकल्टी अच्छी है, हर फैकल्टी अपने साइड से बेस्ट देती है, चाहे वो इंडिया की कोई भी फैकल्टी है, कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं कि झूठ है, सर फैकल्टी अच्छी है, फर्क इतना है कि बच्चा कितना करता है ग्रैप, क्योंकि अल्टीमेटली रैंक्स या कुछ भी वो सर एक बच्चा ही लेके आता है, रैंक आती है बच्चे की एफर्ट से, फैकल्टी का एक मानता रोल होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, गाइडेंस गाइडेंस होती है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को एफर्ट करना पड़ेगा।
टीचर तो वही है सर। ठीक बात है, सबको उसी ने पढ़ाया, सबको उसी ने पढ़ाया था, तो क्या फर्क है सर रैंक आते है बच्चा नहीं, फर्क एक है मेहनत का, मेहनत करनी है उसको। और सीए स्टूडेंट आपसे यही चाहता है कि आप मेहनत करो, शॉर्टकट मार के शॉर्टकट मार के मत आओ, चार्ट्स का सिस्टम शॉर्ट नोट बना लिए, समरी नोट्स बना लिए, सब मैंने कभी नहीं बनाए। मेरे पास रैंक आते ही, जैसे मेरे रैंक अनाउंस हुई, मेरे पास सर बहुत फोन आए, बहुत मैसेज आए सर ऑल ओवर इंडिया से, और मेरे से ये पूछा कि आपका चार्ट कौन से थे आपके पास। ओके, वही चार्ट, शॉर्टकट चार्ट जो बने होते पूरे सिलेबस के, समरी नोट क्या थे, आपने नोट्स बनाए थे। मैंने कभी कुछ नोट्स नहीं बनाया, मैंने कभी चार्ट्स नहीं कभी परचेस किए, मैंने कभी शॉर्टकट अपनाया नहीं। मैं तो एग्जाम के डे के अंदर भी कंप्लीट क्वेश्चन देके जाता था। मेरा कोई बच्चे करते होंगे सर कि ये एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देके जाएंगे हम, बाकी तो हम पाते हैं, सर मेरा ऐसा नहीं था। अब बच्चे बोलते होंगे कि कैसे कर लोगे एक दिन में, मैं करता था और मैं एक आगे भी कोई एग्जाम दूंगा तो मैं क्वेश्चन सारे ही करके जाऊंगा सॉल्व। क्यों, तो आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले सारा रिवाइज करना हो तो मुझे हर चीज कैसे पढ़ के जानी। सर वो मेरे माइंड में फिक्स था। okay. क्योंकि मैं टारगेट बेस पे काम करता हूँ हमेशा। टारगेट का मतलब ये है कि आपने सुबह उठी मॉर्निंग, आपने मॉर्निंग उठते एक टारगेट फिक्स कर लिया कि आज मैंने इतना करना है बस। रैंक की तो सर सोचिंग रखी थी उस टाइम, रैंक आएगी नहीं आएगी, नॉर्मल बच्चे की बात तरह बात कर रहा हूँ। रैंक की तो सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे रैंक आई मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मेरी 9th रैंक आई है। पर बाद में थोड़ा टाइम के बाद बिलीव हुआ कि यार तूने एफर्ट्स किया था, उसी का ही पे ऑफ है, रिजल्ट आया तेरा निकल के। अगर तू पहले सोचता कि रैंक आएगी तो रैंक नहीं आती तेरी, क्योंकि उस टाइम माइंड में कुछ और होता है कि रैंक लेके आनी है, और अगर एक आधा एग्जाम वो होता बेकार तो होता तो रैंक आएगी नहीं, तो कॉन्फिडेंस वही डाउन आ जाता। तो रैंक की सर मैंने कभी नहीं सोची थी कि मेरी रैंक आएगी, बट अल्टीमेटली रैंक दिया जो मेरे हार्डवर्क किया, जो सपोर्ट किया फैमिली ने, आपने सपोर्ट किया, जो और भी जो जिनसे मैंने कोचिंग्स ली है उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, कोई डाउट्स थे सपोर्ट किया, और उसका ही सर रिजल्ट है कि रैंक आई मेरी। एक बात और बीच में मुझे पूछनी है आपसे, जो पूरी सीए की जो ट्रेवलिंग है, तो ज्यादातर इंटर में भी और फाइनल में भी जो बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है और कुछ लोग गाइड भी करते हैं कि भाई जो कम मार्क्स के चैप्टर हैं उनको कम टाइम देना, और ज्यादा मार्क्स के चैप्टर जो है ज्यादा टाइम देना, लेंथी चैप्टर को ज्यादा टाइम देना, छोटे चैप्टर को कम टाइम देना, तो इसके बारे में कुछ कहना है। सर मैं एक क्लियर करता हूँ बात, नवंबर 2016 जब मैंने इंटर का सेकंड ग्रुप दिया, नवंबर 16 इंटर वो जो यहीं से किया था, यहीं से किया था, मई 16 के अंदर ग्रुप 2 में पेपर था अपना एडवांस अकाउंट का, ठीक है, मैंने मई 16 में सिंगल ग्रुप दिया था, ठीक, सेकंड ग्रुप नहीं दिया था। सेकेंड ग्रुप के अंदर एक चैप्टर बोल दिया आपका लिक्विडेशन, मई 16 में फर्स्ट ग्रुप दिया था, सेकेंड नहीं दिया था, हाँ नवंबर 16 में सेकेंड ग्रुप दिया था, ठीक, जो मई 16 का एडवांस क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर लिक्विडेशन चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, 16 मार्क्स का। ओके, अब लिक्विडेशन का जब क्वेश्चन मई 16 में पूछ लिया गया तो बच्चों को था कि जो नवंबर का एग्जाम है 16 का उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा, क्योंकि जब मई 16 में 16 नंबर का पूछ लिया तो नवंबर का सवाल ही उठता। सर नवंबर 16 के अंदर सर वो चैप्टर फिर से रिपीट हुआ 16 मार्क्स का, ठीक है, लिक्विडेशन का, लिक्विडेशन का, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ वो चैप्टर को छोड़े गए थे और वहां तो सिस्टम गया। और जो बड़े बड़े चैप्टर है अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिनका क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल बहुत लेंथी और थोड़े मुश्किल चैप्टर माने जाते हैं, उसका सर सवाल ही पूछा, ठीक है, तो आप सर चैप्टर सर नहीं छोड़ सकते सर। सर बोनस के चैप्टर हैं, प्री पोस्ट है, बायबैक है, अपना जो भी अंडर राइटिंग है, कोई भी चैप्टर ये सोप होगा सर, क्वेश्चन पूछे गए हैं सर और इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है सर हमको सर, क्योंकि सर एग्जामिनेशन जो है कमेटी वो एग्जाम बनाती है तो उनको ही पता नहीं, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये चैप्टर तो छोटे चैप्टर है तो इन पे कम टाइम स्पेंड। नहीं सर मैं ऐसा नहीं मानता, आपको हर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर चैप्टर पे हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा बड़ा चैप्टर का आप सर सोचना ही नहीं है सर, छोटा बड़ा चैप्टर आपको बस पढ़ना है, आपका मेन काम पढ़ो, ठीक है, विद एंजॉयमेंट भी जरूरी है सर। हाँ वो तो जब तक आप अपना एंटरटेनमेंट ही दबा के रखोगे तो फिर परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक जो आपने ये टेस्ट सीरीज जो दी, तो इसके अंदर यूनिट टेस्ट हुए पहले, फिर फाइनल टेस्ट हुए, तो अगर जो बच्चे अब आगे फ्यूचर में भी रजिस्टर्ड होते हैं पारस इंस्टीट्यूट के, तो उनके या कहीं भी अगर वो लेते हैं, तो वो स्ट्रेटजी क्या गाइडलाइन दोगे आप कि भाई किस तरह से वो अपनी प्लानिंग करें टेस्ट की तैयारी करने की, कि जिससे वो इस तरह से आपका और
इससे भी ज्यादा और भी अच्छा रिजल्ट जो है वो अचीव सर मैं तो ये चाहता हूँ कि सर बच्चे AR9 क्या फर्स्ट टाइम लेके आए जिससे सर मुझे भी अच्छी खुशी हुई सर बच्चे आपकी गाइडलाइन से कुछ किया सर क्या है कि अगर बच्चे को रैंक लेके आनी है मैं स्पेसिफिकली रैंक की बात करूंगा क्योंकि मेरी रैंक अचीव हो चुकी है और मुझे पता है कि मैंने क्या फॉलो किया ठीक है अगर आपको रैंक लेके आनी है तो आपको आर्टिकल शिफ्ट के टाइम ही सोचना है कि आपको बोस रूप देना है उस टाइम पे रैंक नहीं सोचना कि रैंक लेके आऊंगा मैं आपको सिर्फ ये कमिट करना है कि मैंने बॉस रूप देना है आप चाहे कोचिंग करो चाहे सेल्फ स्टडी करो वो आपके ऊपर डिपेंड है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा लेकिन आपको अपनी आर्टिकल शिफ्ट भी कंप्लीट करनी पड़ेगी पूरी एफर्ट से आपको ये नहीं छोड़ना है कि आपको लूज करना है वहां पे क्योंकि आर्टिकल शिफ्ट ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीए लाइफ का और आर्टिकल शिफ्ट के अंदर ही आप इंजॉय करते हो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में लगता है पता कि एक्चुअली हु आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो क्या हैं उनकी पावर्स क्या हैं उनके साइन की वैल्यू क्या है आपको सिर्फ सुनने में इतना अच्छा लगेगा लेकिन जब आप आर्टिकल शिफ्ट के टाइम उसको लाइव एक्सपीरियंस करोगे ना दोस्त तो बहुत अच्छा फील आता है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी वैल्यू और अपना जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो अपना है प्रोफेशन वो तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है अगर मैं एज अ सीए स्टूडेंट की बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत ही अच्छा है लेकिन एज अ सीए स्टूडेंट इट इज अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू सी व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सिग्नेचर ऑफ हिज एंड ही अर्न अ मनी फ्रॉम हिज सिग्नेचर तो मतलब सर उसकी अगर आपको वैल्यू समझनी है तो करनी ही पड़ेगी और टेस्ट और अगर आपको रैंक या बोर्ड की तैयारी करनी है तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपको ऑफिस से लीव मिले 4 मंथ 5 मंथ तब तक आपका 1 टाइम तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर ये एक्सक्यूज नहीं काम करेगा कि सर मेरी क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई मेरी ये क्लासेस पेंडिंग है मेरी वो क्लासेस पेंडिंग है सारा का सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और नो एक्सक्यूजेस मतलब कि आपको एफर्ट से एक्सक्यूज नहीं करना पड़ेगा मतलब कहते नहीं कि अगर आपको सक्सेस लेनी है तो कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा और कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है सर ये सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है सर जहां पे सर एक्सपेंस भी इतना नहीं आता सर क्योंकि आर्टिकल शिप के अंदर सर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे जो हमको मिलता है स्टाइफंड जो हमको आईसीए की तरफ से अलाउड है सर वो हमको मिलता है हमको सर देखो सर कमाल की बात है सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हमको सर हमारे प्रिंसिपल ज्ञान दे रहे हैं नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ भी हमको मिलता है सर वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर वो पैसा मतलब कि इसके अंदर कोई एक्सपेंस का कुछ कोई बात नहीं है इतना ज्यादा बर्डन नहीं है कि जितनी इसकी वैल्यू है एक्सपेंस उससे बहुत कम है सर तो मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद क्या है कि जो टेस्ट सीरीज की बात है क्योंकि सर जब मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का ज्वाइन किया था तो मेरे पास 30 दिन पहले 30 डेज पहले मेरे पास टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका था ओके कि ये शेड्यूल को ये टेस्ट है और ये चैप्टर के टेस्ट है ठीक तो मैंने माइंड में सोच लिया था मैंने मार्क कर लिया था उस पेज को फोटोकॉपी करवा के कि ये से डेट को टेस्ट है और ये चैप्टर वाइज टेस्ट है ठीक है और श्योर डेट कि आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं ठीक वो आपकी शेड्यूल के ऊपर बेसिस है बाय चांस सपोज वो यूनिट वन का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया अच्छा कहीं स्टूडेंट करते क्या है कि एक चैप्टर को अच्छी तरह करने के बजाय वो सारे चैप्टर को कैसे भी करके कर लेते हैं और एग्जाम में अटेम्प्ट कर देते हैं ठीक है तो मैं ये गाइड करूंगा कि जो भी करें अच्छा करें बेशक कम कर लें लेकिन जो करें अच्छा करें नहीं जैसे मान लो 3 यूनिट्स के अंदर सिलेबस मिटा हुआ है तो यूनिट 1 के अंदर यूनिट 2 में यूनिट 3 में तो क्या जितना सिलेबस यूनिट्स में डाला होता है वो सारा कवर हो जाता है क्या उसके अंदर सर ये तो जो आपने पिछले 2 साल तक एफर्ट्स किए हैं जो तैयारी की है उसके बेस उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड अच्छा मान लीजिए यूनिट 1 के अंदर जो चैप्टर्स डाले हैं टॉपिक्स डाले हुए हैं तो वो टॉपिक्स अगर मान लो बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता है मान लीजिए 70% रिवाइज कर पाता है ठीक है तो 30% रह जाते हैं इसी तरह सेकंड यूनिट के भी रह जाते हैं थर्ड के भी रह जाते हैं तो वो फिर वो देखो सर मैंने आप पहले भी ये बात बोली है कि जो यूनिट 1 के अंदर जो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो चैप्टर्स वो हैं जो हाई मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कोरिंग है ठीक अब हमें में से किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछेगा बिल्कुल बिल्कुल उसका हम श्योरिटी नहीं ले सकते लेकिन अगर हमने अपने आप को तैयार करना है प्रिपेयर करना है पास पेपर्स देखें आरटीपीस देखें एमटीपीस देखें आईसीए का स्टडी मटेरियल देखें और भी बहुत कुछ देखें तो उस चैप्टर की जो लेंथ है बहुत ज्यादा है सर तो यूनिट को क्योंकि आपकी जो टेस्ट सीरीज का बात है क्योंकि मैंने सर यहीं से टेस्ट सीरीज दी है और टेस्ट सीरीज के बिना मेरी रैंक आना इम्पॉसिबल था अच्छा ऐसी बात क्योंकि सर बिना टेस्ट सीरीज के सर हाउ कैन आई एनालाइज कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ क्या गलती कर रहा हूँ सर तो सर एज अ सीए स्टूडेंट की मैं बात करूं तो बहुत से क्योंकि और सर टेस्ट सीरीज क्या है कि सर टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है कि आजकल मार्केट के अंदर 2 टाइप की टेस्ट सीरीज है
एक तो है कि आप सेंटर में आते हो, एग्जाम लिखते हो, कॉपी चेक करते हैं, आपको कॉपी मिलती है हार्ड में। एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चलती है, मतलब क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में, आप उसको पेपर्स में खुद घर पे बैठ के सॉल्व करते हो, फिर स्कैन करते हो, फिर मेल करते हो, फिर उनके रिप्लाई आते हैं। सर ये बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला काम है सर, मतलब कि एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है सर। मतलब आपको एग्जामिनेशन जो कंडीशन का सर वो कहाँ से एहसास होगा सर, कहाँ सर आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले ही मिलता है, शीट्स मिलती है एग्जामिनेशन सेंटर की, जैसे आपको बेंचेस मिलते हैं वहां पे, मतलब एक बेंच में एक ही बंदा जो स्टूडेंट को सीटिंग मिलती है वहां पे, और प्रॉपर सिस्टमेटिक पूरा माहौल माहौल सर एग्जामिनेशन वाला माहौल हो जाता है। पेन ड्रॉप साइलेंस, 3 घंटा बैठना है। अगर दूसरी टेस्ट सीरीज की बात करूं जो ऑनलाइन चलती है, उसके अंदर क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आता तो आप छोड़ दोगे उसको, आप उसको स्कैन करके नहीं भेजोगे। तो ये बहुत सारे सर माइनर माइनर चेंजेस हैं जो एक स्टूडेंट को सोचने चाहिए, ताकि जो उनका करियर है वो उस टाइम प्रूव हो सके, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं फेल ना हूं। फिर भी सर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, कारण यही है सर। एक तो सर बाकी वो पढ़ाई नहीं करते। आर्टिकलशिप सर सीरियस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कुछ बच्चे सर आर्टिकलशिप में एब्सेंट होते हैं, हालांकि बाद में उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसको वैसे भी साइन नहीं करता, उसकी वो एक्सटेंशन लगाता है फिर। तो सर वही है कि सर आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, और कुछ लोग आर्टिकलशिप के अंदर आके भी सीरियस नहीं होते। ठीक बात है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने करियर के लिए कितना कॉन्शियस है, और यही इम्पैक्ट आता है जब इंस्टीट्यूट रिजल्ट अनाउंस करता है तो उसी का इम्पैक्ट वहां आता है देखने को। और बच्चों ने माइंड में ये सोच रखी है कि इंस्टीट्यूट का फेल कर देगी, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नहीं है। तो सर कुछ लिख के दबाओ दोस्तों आप वहां पे, आप खुद से अंदर से पूछना, मन से पूछना कि आपने एफर्ट किए थे नहीं किए थे, आपको जितने मार्क्स मिले थे आपको मिले कि नहीं मिले। अगर आपका मन बोल देना कि मुझे इतने मार्क्स मिले चाहिए, इतने मार्क्स नहीं आए, तो फिर सिस्टम में है दिक्कत, आई सी आएगी, आप में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता सर, जितना मैंने सोचा था मेरे उससे ज्यादा नंबर ही आया सर, कम नंबर नहीं आए। आपका एक्सपीरियंस अच्छा, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है, और सर मैंने एफर्ट्स किए हैं तभी रैंक तो सर मैंने सोची नहीं थी, लेकिन मैंने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी सर। कंटिन्यूसली 4.5 मंथ 12 आवर इन अ डे स्टडी करनी है तो स्टडी करनी है सर। तो कार्तिक, इसके अंदर आपने इतनी सारी बातें बताई है सारी, और ये सारा पारस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट किया है, तो कहीं कोई, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या है कि एजुकेशन जो है वो प्योर बिजनेस बना हुआ है, कि हर चीज को पैसे से ही तोला जाता है, मार्केटिंग को लेकर या और को लेकर। हर कोई ये नहीं समझ सकता कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो ये वास्तव में फैक्ट है। तो कोई इसको किसी और तरीके से देखे तो उन लोगों के बारे में, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप, या कोई स्टूडेंट इसको किस नजरिए से देखे इस इंटरव्यू को? देखिए सर, बात ऐसी है, मतलब जो आपने बात बोली बिल्कुल सर इस पर सवाल आएंगे, ये तो सर श्योरिटी है, आज नहीं तो कल सर। मेरे पास सर फोन कॉल्स भी आ चुके हैं कि पारस कैसे, पारस कैसे। भाई अगर पारस नहीं होता तो मैं नहीं होता, पारस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता पता है कि सीए कोर्स क्या है, हाउ टू डू अ सीए कोर्स, हाउ टू ज्वाइन अ सीए कोर्स, हु इज आईसीएआई। सर मुझे नहीं पता कि सीए क्या है, मतलब ये पारस ने ही बताया। और जहां पे एक बच्चा सीपीटी से पढ़ रहा है, बिल्कुल सीपीटी दिया, इंटर ग्रुप वन दिया, इंटर ग्रुप टू दिया, उसके बाद जो बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया, बच्चा मतलब मैं, ठीक है ना, बच्चे ने सेल्फ स्टडी दिया और वो भी ग्रुप वन कंप्लीटली सेल्फ स्टडी, इज द बिकॉज ऑफ पारस। और अगर अभी भी, और लास्टली द टेस्ट सीरीज ऑफ पारस, और अगर अभी भी किसी बच्चे को ये डाउट है कि पारस का ज्यादा कर रहा है, कि ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, कि पारस वो है पारस वो है, तो आप एक बार हिसार आइए। और पारस की अभी तो काफी जगह ऑल ओवर इंडिया, जो हमारी जो हिसार की जो ब्रांच है, जो हमारा हेड ऑफिस हिसार है, अब तो वो एक्सपेंड भी हो रहा है, दिल्ली के अंदर एक्सपेंड हो चुका है, जो हरियाणा के अंदर और भी काफी काफी अपनी जो सिटीज है वहां एक्सपेंड हो चुका है। तो आप एक बार पारस आइए और यहाँ का फर्क देखें। और अगर किसी बच्चे को ये डाउट अभी भी है आके कि नहीं सर आप ऐसा गलत बोल रहे हो ऐसा है, तो ये देखो पारस मेरा इंस्टीट्यूट है। जब मैं पारस में यहाँ पे आया था तो मैं एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पूरा 2 साल यहाँ पे लगाए एज अ फैमिली मेंबर, मैं अपने आपको मानता था कि मैं फैमिली मेंबर हूँ, और उसके बाद भी जब मैं यहाँ पे मतलब आर्टिकलशिप में जब मैं जाता था और वापस आता था 15 दिन में, क्योंकि क्योंकि कहीं बार आप आर्टिकलशिप में जाते हो सर, बड़े बड़े टूर्स होते हैं कई बार, तो 30 डेज 40 डेज हो जाता है वहां पे,
40 डेज के बाद यहाँ पे आना है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को खाना नहीं मिला, खाना खाने आ जाना यहाँ पे, तो कभी आज तक ऐसा फील हुआ नहीं कि मतलब कि आप कहीं और रह रहे हो। सर के साथ मैंने खुद खाना खाया है बैठ के काफी टाइम बाद, बहुत मतलब कि बातें करी हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। जो भी मेरी फैमिली है ये रैंक उन्हीं के ही बेस पे आई है, तो ऐसे नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बना के, जो फैक्ट है वो आपके सामने पेशकश कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है पारस पे, तो एज अ फैमिली मेंबर मैं इस पारस का फैमिली मेंबर हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है पारस पे, कोई भी इश्यूज है आप मुझसे बात करें। अगर लाइक अ फैमिली, अगर मेरी फैमिली में कुछ भी गलत होता है तो मैं उनके फैमिली से बात कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं पारस इंस्टीट्यूट से बात कर सकता हूँ, ये मेरा वादा है आपको, आपसे यही कहना चाहूंगा। और एट लास्ट मेरा लास्ट वर्डिंग है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई भी बच्चा बिना एफर्ट्स के क्लियर नहीं हो सकता, आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। और आपको रैंक लेके आनी है तो फिर तो आपको कंप्लीट एफर्ट करना पड़ेगा, विद एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर गाइस।